ओके, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज फिर मेरे टैरो के फ्री वेबिनार में। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर, जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछले 12 साल से ज्योतिष वास्तु टैरो न्यूमरोलॉजी फार्मिस्ट्री लाल किताब ये छह मोडालिटी पढ़ाता आ रहा हूँ, और बाकी छोटी छोटी जो मोडालिटी है हीलिंग की या छोटे छोटे कोर्स हैं, कम से कम 25-30 तरह के कोर्स हैं, वो भी पिछले 12 साल से हम करते आ रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि 16,500 बल्कि अब तो 17,000 होने वाले होंगे, कि इस महीने के मैंने जोड़े नहीं है लास्ट मंथ के, तो 17,000 प्लस स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ। ओके, और अब तक 10,000 ऊपर कंसल्टेशन हम दे चुके हैं। तो आप में से जो भी लोग इस ऑकल्ट साइंस में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ। ज्योतिष से लेकर और वास्तु टैरो न्यूमरोलॉजी फार्मिस्ट्री लाकर इन सबके कोर्सेज ये समझ लीजिए हर महीने लॉन्च होते हैं, तो आप सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैरो के ऊपर। सबसे पहले बात शुरू यहां से होती है कि टैरो सीखने की जरूरत क्या है। सबसे पहले जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि टैरो है क्या या टैरो सीखने से होगा क्या, तो तब तक कोई फायदा नहीं ना पढ़ने का कोई भी साइंस। तो बेसिकली देखिए, सभी ऑकल्ट साइंस की जो मदर है वो है ज्योतिष। ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण है, बाकी सारी विद्याएं आप कह सकते हैं फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ कुछ लिमिटेशन है हर साइंस में, लेकिन ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद भी, और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ ही शुरू हुई थी 2008 में, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि दो मोडालिटी आपको जरूर सीखनी चाहिए लाइफ में, एक है न्यूमरोलॉजी और एक है टैरो। और टैरो जरूर सीखना चाहिए हर इंसान। बेसिकली मैं कहता क्यों, देखिए अगर आप किसी भी ऑकल्ट साइंस में डील कर रहे हैं, ऑकल्ट वर्ल्ड में आपने कोई भी मोडालिटी को चूज किया है, ज्योतिष वास्तु टैरो न्यूमरोलॉजी फार्मिस्ट्री लाल किताब हीलिंग कुछ भी आपने किया है, उसके साथ साथ जब आप किसी को प्रेडिक्शन देते हैं तो प्रेडिक्शन हमेशा कंटेंट बेस्ड नहीं होती, ये याद रखिएगा मेरी बात। ये बात मुझे भी तकरीबन 7-8 साल इस लाइन में गुजारने के बाद 2015-16 में मुझे समझ में आया, कंटेंट बेस्ड कभी भी प्रेडिक्शन नहीं होती है, ये याद रख लीजिएगा। जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप नहीं होगी आप इस ऑकल्ट वर्ल्ड में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अगर कंटेंट बेस्ड प्रेडिक्शन होती तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बैठी हुई हैं, फेसबुक गूगल अंबानी अडानी, ये कब का सॉफ्टवेयर बना चुके होते और इंसानों को खत्म कर चुके होते, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर वो इंट्यूटिव पावर वो डेवलप नहीं कर सकते, वो साइकिक एबिलिटी किसी किसी सॉफ्टवेयर के पास नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान के पास हो सकती है। तो प्रेडिक्शन सिर्फ इंसान कर सकता है, ठीक है। मशीन ने भी, आपने देखा होगा ना, सुना होगा, आप टेक्नोलॉजी से अवेयर होंगे कुछ लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वो है ना, वो है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो काइंड ऑफ इंट्यूशन है, काइंड ऑफ है, मतलब उससे मिलता जुलता थोड़ा सा वो लेकर आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन फिर भी इंसान को बीट नहीं कर सकता कोई सॉफ्टवेयर। ओके, और इस इंट्यूशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है टैरो कार्ड। तो दो चीज आप आपके पास मिल जाती है, एक तो टैरो कार्ड एक नई मोडालिटी आप सीख लेते हो, दूसरा जिस किसी भी फील्ड के लिए आप काम कर रहे हैं उसमें इंट्यूशन पावर की जो जरूरत पड़ती है, जब आप टैरो करना शुरू कर देते हैं तो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि ये पढ़ने के बाद आप चाहे ज्योतिष कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, लाल किताब कर रहे हैं, फार्मिस्ट्री कर रहे हैं, वहां पर आप देखिए कितनी अच्छी प्रेडिक्शन आपकी होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, कमर्शियल एंगल से अगर देखा जाए तो आज की डेट में, क्योंकि मैं पिछले थोड़ा सा मैनेजमेंट लाइन से भी हूँ, मैं MBA मार्केटिंग MBA फाइनेंस में मैंने किया हुआ है, और दो सब्जेक्ट में डॉक्टरेट है मेरे पास, डॉक्टरेट इन वास्तु एंड PhD इन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं मार्केट का सिनेरियो भी देखता हूँ। ओके, जैसे आप में से कुछ लोग पूछते हैं सर सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले टैरो और न्यूमरोलॉजी से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो इस लाइन में अगर आना है। उसके पीछे रीजन है, एक तो क्या है कि दो मोडालिटी ऐसी हैं कि इंडिविजुअल है, मतलब आप इनको 20-25 दिन में सीख सकते हो, और दोनों मोडालिटी को 3-4 महीने अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो 4-4 महीने में आप कमर्शियल एंगल पर इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला फायदा तो ये है। दूसरा, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो इन है साइंस, है ना, सबसे ज्यादा जो प्रचलित हो रही है, लोग जिसकी तरफ झुकाव हो रहा है,
मैं ये भी मार्केट का सिनेरियो एनालाइज करता हूं हमेशा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, तो हम ज्यादातर कोर्स उसके निकालते हैं। ओके, तो टैरो न्यूमरोलॉजी के सबसे ज्यादा आजकल चाहने वाले हैं, मतलब मार्केट में डिमांड है। जैसे आप लोग होते हैं ना, अभी फैशन क्या चल रहा है आजकल, इन क्या है, फर्नीचर में, फैशन में, कपड़ों में। तो ये भैया अच्छा मार्केट का सर्वेयर बनना है तो आप ये भी रखो कि लोग क्या पूछ रहे हैं, हम क्या चाहते हैं डजंट मैटर, लोग क्या चाह रहे हैं ये मैटर करता है, क्योंकि हमारे क्लाइंट है। अगर आप ज्योतिष भी करते हैं ना, तो फिर भी वो कहते हैं सर एक बार कार्ड निकाल के देख लेना कार्ड क्या कह रहे हैं, जबकि ज्योतिष कहाँ है, सोचिए कितना एक अपर लेवल है ज्योतिष का। फिर कभी कभी ज्योतिष अगर आप कर रहे हो तो फिर सामने वाला इंसान ये भी कह सकता है या वो एक मिनट मेरा न्यूमरोलॉजी से चेक कर लेना, मेरा देख लेना मेरा नाम मेरा सूटेबल है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक मॉडालिटी से काम नहीं चलेगा, कॉम्पिटेटिव माहौल है, आपको दो तीन मॉडालिटी सीखनी पड़ेगी। और स्टार्ट अगर आपने कैरियर करना है तो टैरो और न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, ये दो सबसे बड़े रीजन है। ओके, दूसरा क्या होता है कि जब आप ज्योतिष की तरफ जाते हो तो ज्योतिष में आपके पास डाटा पूरा होना चाहिए, न्यूमरोलॉजी में जाते हो वहां पर आपके पास डेट ऑफ बर्थ तो एटलीस्ट हो। ओके, देखिए यहां पर आपको कुछ नहीं चाहिए, टैरो में कुछ भी नहीं चाहिए। टैरो रीडिंग प्योर साइकिक रीडिंग है, प्योर इंट्यूशन रीडिंग है। जो लोग पढ़कर भी आए हैं कहीं से और वो बोलते हैं कि सर हमें कार्ड दिखाया और चार चीजें कार्ड के बारे में बता दी कि भी ये रट लो कि जब ये कार्ड निकल कर आएगा तो आपने यही बोलना है। ओके, टैरो रीडिंग नहीं है, ये सीखने का तरीका ही गलत है। ओके, दो बातें याद रखिएगा जीवन में अगर टैरो कर रहा है किसी ने बढ़िया, कि टैरो रीडिंग इज ए साइकिक रीडिंग, ये साइकिक रीडिंग है, ये ऑन द स्पॉट आपको क्या आ रहा है माइंड में वो बोलना होता है, और वो आता कैसे है, बोलना क्या होता है, वो सब कोर्स में सिखाया जाता है। दूसरी चीज, एक कार्ड के हजारों मतलब हैं, तो कितना कार्ड रखोगे आप, 78 कार्ड्स हैं टोटल, और जब मैं कह रहा हूं एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, उन हजारों को कैसे डिकोड करना है, और ऑन द स्पॉट आंसर तो एक ही रहेगा, बोलना क्या है। और आपको ये भी बताना चाहिए कि रीडिंग आ कहां से रही है, रीडिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी है, रीडिंग को डिकोड कैसे करना है, बोलना क्या है, ये सब आप पार्ट ऑफ द कोर्स आप सीखते हैं। इसलिए मेरी हर क्लास के अंदर जो 25% बच्चा तो है वो बैठा होता है जो ऑलरेडी सीख के आया, क्योंकि वो सीखने के बाद बावजूद भी प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा। और हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं तो ऐसे प्रेडिक्शन करते हैं, ऐसे आज देखेंगे आप, अभी ये बच्चे जो आज करेंगे, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, वो बच्चे तो जो ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी उनका कोर्स ही पूरा नहीं हुआ। ओके, तो ये स्ट्रेंथ है हमारे पास, भगवान श्री कृष्णा की कृपा है हमारे टैरो के हर बैच के ऊपर होती है, कि बच्चा पढ़ता है टैरो और दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन के निकलता है। और हिंदुस्तान में कोई ऐसा ऐप नहीं है जहां पर हमारे बच्चे, पढ़े हुए बच्चे काम नहीं करते। आज के डेट में गर्व होता है मुझे बोलकर कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा ऐप नहीं है। तो इसलिए टैरो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप किसी मॉडलिटी में काम करते हैं, मैं प्योर ज्योतिष करता हूं, लेकिन उसके बाद भी जब ज्योतिष में फंस जाता हूं, लगता है ना कि यार इतने सारे योग बन रहे हैं, दशाएं ऐसी हैं, कंक्लूड नहीं कर पा रहा, तब मैं टैरो की हेल्प लेता हूं। तो टैरो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, और हर फीमेल को टैरो जरूर सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, टैरो रीडिंग एक इंट्यूशनल रीडिंग है, और भगवान की ऐसी कृपा है आप फीमेल पर कि आप में वैसे ही सिक्स सेंस होती है। जैसे कोई किसने पूछा था मेरे से एक बार कि सर ये टैरो में हमेशा फीमेल क्यों आती है, पहली बात तो मैंने बोला कि भाई भगवान की ब्लेसिंग है उनके ऊपर, उनके पास टैरो में क्या है, टैरो प्योर इंट्यूशनल रीडिंग है, और उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है फीमेल की कि वो वैसे ही बता सकते हैं सामने वाला इंसान आपके बारे में सोच क्या रहा है ना, अगर उस चाहे तो, है ना, किस भाव से किसी ने किसी को टच किया है, वो फीलिंग, वो उनकी वो कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। तो टैरो में क्या चाहिए, क्या ये तो चाहिए। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, हमारा प्रोफेशनल टैरो कोर्स, ये प्रोफेशनल टैरो कोर्स है, ये ऐसा कोर्स नहीं है जो पढ़कर आप घर बैठेंगे, ये ऐसा कोर्स है कि इससे आपकी, अगर मेरे बताए हुए अनुसार चलेंगे आप, तो 3 महीने में आप प्रोफेशनली तैयार हो जाएंगे कमाने के लिए, और डेफिनेटली आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब तक हजारों बच्चे पढ़ चुके, 6,500 प्लस स्टूडेंट में टैरो को पढ़ा चुका हूँ, इतना गर्व मुझे होता है टैरो, और सारे ही अच्छा कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहा है, कोई ऐप में काम कर रहा है। तो ये हमारा 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप टाइम नोट कर सकते हैं। हमारी जो क्लास है बेशक 8 से शुरू हो रहा है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी अगले हफ्ते से। ओके, 6:30 PM पे हमारा स्टार्ट होगा। ये 20 दिन की लाइव क्लास है, इसके 22 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकती है। इसमें आपको PDF, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और सब कुछ, मटेरियल वगैरह सब कुछ हमारी तरफ से दिया जाता है। ओके,
जिस कोर्स की फीस 799 प्लस 18% जीएसटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फीस हमने बढ़ाई नहीं है, मतलब समझ लो कब से इसी रेट पे हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए सिर्फ इसीलिए कि अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़कर अपना कैरियर स्टैब्लिश कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने फीस थोड़ी बढ़ा दी ना, तो होता कुछ लोग चूक जाएं सीखने के लिए, इसलिए मेरा मन नहीं करता। मुझे पता है अगर मैं इसकी फीस 15,000 भी कर दूंगा, तो जहां बच्चे आज मैं एक बैच के अंदर 50 बच्चे पढ़ाता हूं, तो 40 आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी फीस डबल होती है, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर रहा हूं। इसलिए कि चलो बच्चे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने कैरियर बना रहे हैं, अच्छी बात। इसके साथ हम एक फ्री बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स फ्री दे रहे हैं, क्योंकि मैं मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि किसी भी मोडालिटी में जब तक आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, और ये सच बात है, आप कोई भी मोडालिटी नहीं सीख सकते। मैं नहीं कह रहा ज्योतिष का पूरा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन बेसिक भाव, प्लैनेट, राशि, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ओके, तो ये सारा चीज हम आपको एक बेसिक कोर्स 2,500 रुपए का मेरा कोर्स है, वो आपको फ्री में दिया था। इसके साथ फीस कुछ नहीं रहेगी, ये देखिए आप। इसके साथ साथ एक न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स शुरू हो रहा है हमारा 15th मार्च से 7:30 PM ऑनवर्ड्स, तो ये 25 क्लासेस का कोर्स है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी हमारे साथ पढ़ने के लिए आपको दो बेनिफिट सबसे स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। पहली बात तो एक फीस में हम दो सिस्टम पढ़ाते हैं, हमको पाइथागोरस सिस्टम और लोसु सिस्टम पूरा पढ़ाया जाता है, ओके, फीस एक ही सिस्टम की ली जाती है। दूसरा, इसके साथ हम आपको दो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और इन सॉफ्टवेयर की वर्थ है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलने वाले, हमने खुद बनाए अपने। एक तो पाइथागोरस सिस्टम में बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेट नहीं करना आपने। और दूसरा है नेम न्यूमरोलॉजी, कि नाम सिलेक्ट कैसे करें किसी का, ओके, नाम का पहला अक्षर कैसे सिलेक्ट करें, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, गारंटी है मेरी, कोई नहीं सिखाने वाला, क्योंकि जितने न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं उनको ज्योतिष का जे नहीं आता, और वो न्यूमरोलॉजी पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने बताया ना, कोई भी साइंस ना आप वास्तु पढ़ा सकते जब तक आपको ज्योतिष नहीं आएगा, आप न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा सकते जब तक आपको ज्योतिष नहीं आएगा। तो इसके साथ हमने ज्योतिष को लिंक किया है न्यूमरोलॉजी के साथ, कि कैसे जब आप नाम सिलेक्ट करते हैं किसी का या नाम चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि नाम का पहला अक्षर सूट करता नहीं करता। उसके लिए या तो ज्योतिष सीखिए, नहीं सीखना तो हमारा सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि किस इंसान को कौन सा अल्फाबेट सूट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको मिलती है, 25 दिन का एक क्लास है, इसमें बहुत सारा ई मटेरियल, 750 पेज की तो पीपीटी है, इसकी सोचिए 350 पेज का ई मटेरियल है, कितनी बड़ा लिटरेचर मैं आपको देता हूँ, तो आप ये सब सीख सकते हैं। 8,500 रुपए के आपको सॉफ्टवेयर फ्री दिए जाते हैं। तो ये और कुछ कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, अभी बाकी बाद में बताता हूँ आपको। ओके, चलो कोर्स स्टार्ट करते हैं हम अपना, जो आज का हमारा टॉपिक है टैरो। सबसे पहले है कि हम अपने कोर्स के अंदर कार्ड, बहुत तरह के कार्ड आते हैं, अभी हमारे सभी तरह के कार्ड हम आपको सिखाने वाले हैं। अभी तक मैं सिर्फ राइडर वेट टैरो कार्ड सिखाता रहा हूं, तो हमारे जो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हम राइडर वेट टैरो कार्ड आपको सिखाने वाले हैं। तो राइडर वेट टैरो कार्ड है क्या, ये कहां से आए हैं, ओके, थोड़ा सा आपको क्लू देता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। तो कॉमन मिथ है दैट द टैरो वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द जिप्सीज। तो ये एक कॉमन मिथ है कि जिप्सीज जो लोग थे, जिप्सियन जो लोग थे, वो टैरो कार्ड को कहीं से यूरोप में कहीं से लेकर आए। लेकिन जो फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है इसका, वो मिलता है 14th century में, कि ये कार्ड यूरोप में पाए गए, इसका हमें प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे पहले चीजें आपको पता होना चाहिए, चीजें आई कहाँ से, कार्ड बने कहाँ से, किसने डिजाइन किए, ओके। लेकिन इसको जो 14th century में एक एविडेंस के रूप में मिलते हैं कि ये भाई कार्ड यूरोप में पाए गए, लेकिन एक टूल के माध्यम से नहीं, वो किसी एक गेम के नाम पर थे, एज ए गेम नोन एज तिरोची, एक तिरोची नाम का गेम था बेसिकली, उसमें कुछ सिंबल्स थे, कुछ कार्ड की तरह गेम के रूप में वो मिले हैं। ऑल एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप देयर ओन सिस्टम ऑफ डिविनेशन और फॉर्च्यून टेलर बेस्ड ऑन सेम सिंबलिज्म एंड आर्किटाइप्स। बेसिकली आप देखिए, हर कल्चर के अंदर आप देखिएगा, प्राचीन टाइम में आप चले जाइए, अपने दादा परदादा से आप पूछिए, बात कीजिएगा, ओके, जो पुराने टाइम के अभी हमारे पूर्वज हैं, हर एरा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम हुआ करते थे जिससे कि आप फ्यूचर में झांक सके, कि किसी इंसान के बारे में बता सके। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे हमारे यहाँ, उनमें से एक ये भी था, हो सकता तिरोची कोई गेम के रूप में वो खेलते हैं और उससे किसी का फ्यूचर बताते हैं, ये मतलब है।
नेक्स्ट आता है कि टैरो का मतलब क्या है। टैरट अपने आप में कोई शब्द ही नहीं है। ओके, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक शब्द आता है ऑवर्स, ऑवर्स अपने आप में कोई शब्द नहीं है। ऑवर्स हमारे हिंदू संस्कृति में एक नेम आता, नाम आता है होरा। जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा होगा उनको पता होगा होरा, होरा का मतलब होता है लगभग एक घंटा। तो दिन के अंदर 24 होरा होती है एज पर हिंदू शास्त्र। देखिए अंग्रेज लोग इस होरा शब्द को यहां से लेकर गए और होरा का उन्होंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह टैरो का कोई अपना वजूद नहीं है। टैरो बहुत सारे सिस्टम दावा करते हैं कि ये नाम हमारे नाम का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे हिब्रू में सिस्टम में एक नाम आता है टॉरो, इसका मतलब होता है डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। वो कहते हैं जी हाँ टॉरो का एरर कर दिया गया। तारुश इजिप्शियन में एक और नाम आता है, तारुश एक शब्द है द रॉयल वे। एक तारो है इजिप्शियन में एक शब्द जिसका मतलब होता है रॉयल पाथ। ओके, वो कहते हैं कि इसका शायद टैरो कर दिया। तो बहुत सारे सिस्टम है, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर टॉरस एस्ट्रोलॉजी है, तो उसका टॉरस का उन्होंने टैरो में कन्वर्ट कर दिया। ओके, रोटा लेटिन में शब्द है। इस तरह बहुत सारे सिस्टम ये कहते हैं। हिंदू में हम तारू है ना, कार्ड, तारू का मतलब कार्ड होता है, तो उसका इसी का बदल के नाम कर दिया। तो टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है, किसी शब्द का बिगड़ा हो रहा है किसका ये भी नहीं पता, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले कैरेक्टर एनालिसिस, तो किसी भी इंसान का इंसान के बारे में जानना है। देखिए इंसान झूठ बोल सकता है, हो सकता है कोई कुंडली आपके पास लेकर आए, हो सकता है टाइम गलत बना रखा हो, फिर क्या करोगे आप। तो कई बार इंसान आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत बता दे, तो कुछ भी गलत बताया सकता है ना। तो फिर आप उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं तो चीज गलत हो सकती है। जैसे होता है ना शादी करते हैं वो मांगलिक का नॉन मांगलिक कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन टैरो में आप झूठ नहीं बोल सकते। कार्ड हमेशा आपकी आपके लिए जो निकल कर आएंगे डेफिनेटली आप वैसे ही हो या वो ही होने वाला है। तो कैरेक्टर एनालिसिस, तो किसी इंसान का करेक्टर को पहचानना है, मतलब करेक्टर मतलब गुड और बैड करेक्टर से नहीं, ओवरऑल पर्सनैलिटी जाननी, तो भी कार्ड से बता सकते हो। ग्लिंसिस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बताना है। ओके, फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि कार्ड से आप किसी के 10 साल पुरानी बात बता दोगे या आगे 10 साल, नो। मैंने बताया ना हर चीज की एक लिमिटेशन है। अब ये भी समझिएगा, लोग ये भी गलती करते हैं, टैरो में प्रेडिक्शन कर रहे हैं 10 साल की, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने जो ज्योतिष सीखा था बहुत अच्छे गुरुओं से सीखा है, भगवान की ब्लेसिंग रही है। उन गुरुओं ने जब हमने वहां से प्रश्न कुंडली पढ़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, प्रश्न शास्त्र पढ़ा, तो वहां पर बताया गया, ऋषियों ने लिखा हुआ है कि प्रश्न कुंडली की जो वैधता है, जो लिमिटेशन है या ड्यूरेशन है, वो सिर्फ 9 महीने से लेकर 1 साल तक की प्रेडिक्शन कर सकते हो। प्रश्न कुंडली क्या होती है, बेसिकली जिस वक्त में प्रश्न पूछा गया। अब आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन आप भी प्रश्न कर सकते हो, है ना। आपने मेरे से पूछा कि मेरा बिजनेस का देखो क्या होगा, तो क्या होगा अगर आप में मेरे पास अपना सॉफ्टवेयर है तो मैं फटाफट क्या करूंगा, मैं अभी की प्रश्न कुंडली बनाऊंगा। आपके मन में जो प्रश्न आया उसका जो मूल है, जो रूट है, वो है चंद्रमा। मून आपके किसी प्रश्न को जन्म देता है। तो कुंडली में मैं अभी कौन सा लगन आया है, प्लैनेट की कॉम्बिनेशन क्या है, चंद्रमा किस साइन में है, कौन से भाव में है, किसके नक्षत्र में है, वर्गा चार्ट में कहां गया, उसको देखते हुए हम प्रेडिक्शन कर देते हैं प्रश्न कुंडली। तो वहां पर लिखा हुआ है कि 9 महीने से लेकर 1 साल तक की प्रेडिक्शन कर सकते हो। इसी तरह से एक टैरो कार्ड रीडर भी प्रश्न कुंडली बनाकर आपकी प्रेडिक्शन कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है बात, क्योंकि उसने ज्योतिष नहीं पढ़ा। इसलिए टैरो कार्ड में भी 9 महीने से लेकर 1 साल तक की प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। अगर जो लोग कर रहे हैं ना 5-5, 7-10 साल, वो गलत कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रश्न कुंडली क्या, अभी आपने कोई प्रश्न पूछा, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी देखूंगा तो फटाफट क्या होगा, आज की डेट, अभी का टाइम, अभी की प्लेस सॉफ्टवेयर में डालूंगा, कुंडली बनकर आ जाएगी। उसके व्यापार में बताऊंगा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या होगा। और अगर मैं टैरो कर रहा हूं अभी तो मैं क्या करूंगा, आपने प्रश्न बोला, मैंने उसी वक्त में टैरो कार्ड वो शफल करना शुरू किया, मैंने टैरो कार्ड से प्रश्न पूछा, वो सिस्टम है इसका, प्रोसेस वो सिखाया जाएगा, और मैंने टैरो कार्ड को स्प्रेड करके टैरो कार्ड निकाल कर, वहां मैंने कुंडली बनाई है, मैंने टैरो कार्ड निकाल ली, तो उस वक्त के अंदर जो कार्ड निकल कर आते हैं उन्हीं कार्ड में सामने जो प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन भी उसमें है, आंसर भी उसमें है, और कुछ रेमेडी है तो वो भी उसी कार्ड से डिकोड करना आपको आना चाहिए। तो ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में झांकना बहुत इजी होता है।
अब ज्योतिष अगर आप करते हैं तो ज्योतिष में जो योग बने हुए हैं, दशाएं चलती हैं और लंबी लंबी दशाएं चलती हैं, तो उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आप रोज कार्ड किसी का निकाल सकते हो कि आज आपका दिन कैसे जाएगा, लेकिन ये चीज ज्योतिष में बताना बड़ा मुश्किल है। अगर बताओगे भी तो उसके लिए कम से कम 15 से 20 साल का कम से कम आपको कम से कम कह रहा हूँ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके बता पाओ। क्योंकि यहाँ पर आप 3 महीने परफेक्ट। ओके, सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास। अभी किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कार्ड आपको ऐसे ऐसी इंट्यूशन देते हैं कि मतलब हम भी सोचते हैं कि भगवान ये कहां से आ रहा है, कि किसी के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी आपको कार्ड बता देते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था कि आपकी जब तक इंट्यूटिव पावर डेवलप नहीं होगी, और इंट्यूशन कहां से डेवलप होती है, जब तक आप मेडिटेशन नहीं बैठेंगे नहीं करेंगे थोड़ी देर, तो इंट्यूशन डेवलप नहीं। तो बेसिकली मेडिटेशन क्या है, ध्यान। हिंदी में जरा शब्द को यूज कर लिया ब्रो, कभी कभी है ना इंग्लिश के शब्द ठीक है लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी। जैसे कुंडली में होता है ना भाव, और इंग्लिश में बोलते थे हाउस, हाउस से उतनी फीलिंग नहीं आएगी। भाव भाव मतलब फीलिंग, जैसे आप सोचते हो ऐसे किसी घर से क्या सोचा जा सकता है। कुंडली में 12 खाने होते हैं ना, 12 हाउस, 12 भाव है। ऐसे मेडिटेशन मतलब ध्यान, ध्यान। तो ध्यान जहां लगता है वहीं रिजल्ट आता है, तो इससे आप अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं। फिर लास्ट है डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। जैसा कि आपको बताया कार्ड करते करते आपकी इंट्यूशन पावर इतनी डेवलप हो जाएगी। कुछ मेरे स्टूडेंट तो यहां तक पहुंच चुके हैं, बोला सर अब तो कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। सामने वाला क्वेश्चन पूछता है अपने आप कार्ड फ्लैश होते हैं, इतना कार्ड को जान लिया उन्होंने, प्रश्न पूछते कार्ड सामने देखना शुरू कर देते हैं। ओके, बिना कार्ड के भी उन्होंने रीडिंग करनी शुरू कर दी, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं टैरो कार्ड के। तो जो हम अपने कोर्स के अंदर जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको राइडर वेट टैरो डेक पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डेक अब तो आ गए हैं। ओशो जन है वो भी हम लेकर आ रहे हैं, ओशो जन भी एंजेलिक कार्ड है, ओरेकल कार्ड, और आपका साई कार्ड, रामायण कार्ड, और बड़े सारे कार्ड्स आ गए। लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक बोलो, प्राचीन बोलो, जिसमें जो एनर्जाइज है मतलब जो फील आता है आपको, वो है राइडर वेट। कोई भी कार्ड सीखिएगा आगे, उससे सबसे पहले मैं सभी को बोलता हूँ, अभी कुछ लोग ओशो जन के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर राइडर वेट पहले सीखोगे ना तो आप देखिए क्या मजा आएगा ओशो जन सीखने का, या एंजेलिक कार्ड आगे मैं सिखाने वाला हूँ। तो राइडर वेट इज द इजिएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो इनका सीखना सिखाना सब आसान है, मुश्किल नहीं है। अब ये राइडर वेट डेक आए कहाँ से, चलो ये कोर्स में आएंगे तब बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी दूसरा है टोटल कितने कार्ड होते हैं ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको। हमारे पास जो राइडर वेट डेक है उसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। The tarot deck is a 78 card containing symbols from many ancient culture. तो उन 78 cards में different colors हैं, different numbers हैं, different उनके अंदर कुछ ancient symbols डाले हुए हैं, कुछ pictures हैं। Okay, उन्हीं को decode कर वहाँ prediction दी जाती है। जैसे कि अभी हमारे जो faculty है, faculty कह रहा हूँ, मेरे student है, वो अभी आपको करने वाले हैं और वो अभी कर रहे हैं, मतलब कुछ का complete हो चुका पिछले महीने, कुछ अभी कर रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट आए करने के लिए। तो 78 कार्ड्स, ये टोटल 70 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 22 कार्ड मेजर कार्ड बोलते हैं उनको, एक कैटेगरी बना ली है 78 में, ये मेजर कार्ड हैं, ये माइनर कार्ड हैं। ओके, और वहां पर फिर माइनर कार्ड के कुछ नाम दे दिए गए हैं, पेंटकल, कप, वॉन्स एंड सूट्स, इनके मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, हर एक चीज का मीनिंग है। तो हमारा ये 20 दिन का जो कोर्स रहेगा, उस 20 दिन के कोर्स में सबसे पहले मैं आपको हफ्ते से लेकर 10 दिन तक, शुरुआत में पहले 10 दिन हम कार्ड को डिकोड करना सीखते हैं कि कार्ड को रीड कैसे किया जाता है। कहते हैं ना अगर आपकी फाउंडेशन मैंने मजबूत बना दी, लोग गलती क्या कर रहे हैं पढ़ाने में, वो क्या करते हैं कार्ड को रटवा दिया कि 4 चीजें रट लो, वो तो बिल्कुल ही कंसेप्ट गलत है। अगर कोई ऐसा पढ़ा है तो ना पढ़ने के समान है, वो जिंदगी में कोई परीक्षण नहीं कर सकता, लिखवा लेना बेटे, वो कर भी रहा है तो अपनी मेहनत से उसने डेवलप की हुई चीजें। ओके, अभी कोई परसेप्शन नहीं बनाना होता टैरो कार्ड रीडिंग में, के अंदर कार्ड का कोई परसेप्शन नहीं बनाना, कार्ड को डिकोड करना आना चाहिए आपको। तो पहले 10 दिन हम इन 78 कार्ड के जो कॉन्शियस माइंड से प्रोबेबल मीनिंग जान सकते हैं आपकी, इस नंबर का मतलब क्या है, इस कलर का मतलब क्या है, कि इस पिक्चर का मतलब क्या है, ये कंबाइन करके क्या रिजल्ट देगा। तो मैं अपने कोर्स के अंदर पहले 10 दिन आपको इन कार्ड को डिकोड करना सिखाता हूँ। जिस दिन आपको कार्ड की साइकोलॉजी में घुसना आ गया, कार्ड को डिकोड करना आ गया, बस ये समझ लीजिएगा आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, फिर जीवन में आप कभी बीमार नहीं कर सकते। तो पहले 10 दिन फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, अगले 10 दिन हम डिफरेंट पैटर्न सीखते हैं कि कॉम्बिनेशन यस और नो कैसे देना, रिवर्स कार्ड का मतलब क्या है,
एक कार्ड से रीडिंग, दो कार्ड से रीडिंग, तीन कार्ड से रीडिंग, पांच कार्ड से रीडिंग, 12 कार्ड से रीडिंग कैसे देनी है। ओके, कार्ड के अंदर, टैरो के अंदर न्यूमरोलॉजी का क्या यूज करेंगे हम, कार्ड के अंदर हम एक साल की प्रेडिक्शन कैसे देंगे, एक महीने की प्रेडिक्शन कैसे देंगे, एक दिन की प्रेडिक्शन कैसे देंगे, एक एक घंटे की प्रेडिक्शन कैसे देनी, तो ये तक आपको सिखाया जाता है। फिर कार्ड के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी का क्या यूज होगा, कार्ड के अंदर वास्तु का क्या यूज होगा, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। और रिवर्स कार्ड भी पढ़ाए जाते हैं। रिवर्स कार्ड शायद आपने सुना होगा कि एक तरीके से पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको रिवर्स कार्ड के कम से कम 10 मीनिंग बताने वाला हूँ कि रिवर्स कार्ड को कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन आप सभी को मैं ये भी बता दूं, अगर हो सकता है आप में से कुछ टैरो कार्ड रीडर बैठे हुए यहाँ पर, कि जरूरी नहीं है कि रिवर्स कार्ड रीडिंग किए बिना दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर नहीं बन सकते, बन सकते हो। ओके, बिना रिवर्स कार्ड के, लेकिन क्योंकि हमारा एक कंप्लीट कोर्स होता है, ओके, इस कोर्स करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस जितनी मर्जी की हो, जहां मर्जी हो बुक्स पढ़ते हो, लेकिन कंटेंट वाइज इसके बाद खत्म है, कंटेंट खत्म है। इतना मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये भी अगर आपने पढ़ लिया और 3 महीने मेरी गाइडलाइन का फॉलो किया आपने, तो आप जो 5-7 साल से भी टैरो रीडर कर रहे हो उसके इक्विवेलेंट आप उससे डिबेट कर सकते हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐप में जाते हैं, वहां इंटरव्यू होता है, ये होता है, वो होता है, फिर वो पूछ लेते हैं कि तुम तो कह रहे हो अभी 6 महीने पढ़ा या साल से पढ़ा है, लेकिन तुम्हारी नॉलेज नहीं कह रही है। कुछ तो ऐसे ऐसे हैं वो सच बोल देते हैं। मैंने बोल रखा है कि अगर कभी ऐसा हो तो बोल दिया करो, भाई तुमने बेशक 3 महीने हुए, बोल दो 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, क्योंकि मुझे पता है ना तुमने 3 महीने में इतना पढ़ लिया है या मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है, आप उसके इक्विवेलेंट हो। लेकिन कुछ लोग सत्यवादी होते हैं, बोलते हैं नहीं, हम 3 महीने पहले, वो कहते हैं 3 महीने को इतना सीख नहीं सकते। फिर नाम देखते हैं कहां से पढ़ा, बोला सर से पढ़ा, फिर ठीक है कोई बात। अब आपने मेरा इतना ब्रांड नेम बना दिया मुझे टैरो वाले ने, थैंक यू सभी का, जितने मेरे स्टूडेंट गए हैं, इतना नाम रोशन कर दिया है कि अब वहां पर जो रीडिंग कराने आए ना क्लाइंट, वो खुद पूछता है आपने कहां से पढ़ा, क्योंकि वो डिफरेंट कंसल्टेंसी कंसल्टेशन लेता है, जो हमारे स्टूडेंट कंसल्टेशन देते हैं वो दी बेस्ट जा रही है, ब्लेसिंग है भगवान की, फिर पूछता है आपने कहां से पढ़ा। तो कई सारे हर बैच के अंदर आप ही लोगों की वजह से, इसलिए मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ कि आपके ही जिन्होंने आपसे रीडिंग ली होगी वो खुद मेरे से पढ़ने आ रहे हैं कि सर उन्होंने बताया था, सर आपने जो दी बेस्ट पढ़ाया और रीडिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं, वो हमें भी सीखना है सर, हमें भी ऐसा ही सिखा दो। तो मैं तो कहता हूँ कोई भी सीख सकता है। और हर बैच के अंदर 2-4 बच्चे आपके रेफरेंस से, जबकि मैं किसी को नहीं बोला, लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि सर से पढ़ाया, सर से दी बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता। तो कुछ लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो आते हैं कि जी सर वो आपका एक स्टूडेंट है, मैं नाम भी भूल जाता हूँ, मुझे नहीं पता, फिर मैं बोलता हूँ हाँ यार मेरा स्टूडेंट है। अब इतने सारे हजारों स्टूडेंट पढ़ा चुका, नाम याद नहीं रहता, कुछ के नाम याद रह जाते हैं, बोलते सर वो उस ऐप पर था, फिर मैंने बोला कुछ कहाँ से सीखा, फिर उसने बोला डॉक्टर नागेश नंबर, फिर वहाँ नंबर तो शेयर नहीं कर सकते ऐप में, लेकिन वो समझ आते हैं। अब गूगल में, गूगल महाराज की भी इतनी मेरे ऊपर ब्लेसिंग है कि वर्ल्ड में कहीं से भी आप गूगल में टाइप कर दो डॉक्टर नागेश नंबर, तो फ्रंट पेज पर मैं ही आता हूँ, और कोई वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर नागेश नंबर आता भी नहीं, तो ये गूगल की मेहरबानी भी है। ओके, तो थैंक यू उन स्टूडेंट का जिन्होंने मेरे से स्टूडेंट पढ़ने के लिए भेजे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। Okay. तो बेसिकली क्या है, कार्ड की डिकोड करना आना चाहिए। जिस दिन आपको डिकोडिंग समझ में आ गई, अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है जो बिल्कुल पहली बार टैरो बिल्कुल नहीं जानता, प्लीज अपना चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, मैं उसको इनवाइट करूंगा रीडिंग में। कोई भी चैट बॉक्स में अपना नाम ले सकता है जिसको टैरो का टी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। चलो ठीक है, राखी ने शायद पहले पूछा था, राखी अग्रवाल जी आप प्लीज आपका अनम्यूट करो, एंड शिल्पा जैन प्लीज, दोनों आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, नाम बताइए। हाँ जी सर, कौन है, शिल्पा है, प्रणाम सर। उसने सीखा होगा कहीं से, वो भी आई थिंक बुक से ही करती थी, तो उसने फर्स्ट टाइम मेरे साथ मुझे मतलब ऐसे प्रेडिक्शंस किए मेरे लिए। अच्छा, तो उसने अराउंड 7-8 कार्ड्स निकलवा के, और मैं हैरान हो गई कि किस तरीके से, मतलब इट वाज सो एक्यूरेट,
एवरीथिंग वाज जस्ट फॉलिंग इन प्लेस ऑटोमेटिकली. तो आई वाज लाइक यू नो, मुझे लगा कि जैसे कोई कोई ब्लैक मैजिक होता है. सो इट वाज जस्ट हैपनिंग एंड मुझे नॉट अ ब्लैक मैजिक. सो और मैं बहुत फैसिनेट हो रही थी, बट आई वाज स्टिल बिलीविंग हर, क्योंकि मुझे खुद को मेडिटेशन करते हुए बहुत साल हो चुके हैं. और इंट्यूशन मतलब कुछ चीजें होने से पहले जैसे एक एक सेंस आ जाती है कि कुछ होने वाला है और वो हो जाता है. तो एग्जैक्टली क्या होने वाला ही नहीं पता चलता, बट कुछ एक फीलिंग या सेंसेस. तो मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, शी इज इनटू हीलिंग एंड एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल. उसने ही मुझे एक्चुअली लिंक शेयर किया था एंड शी सेड कि यू हैव सम समथिंग इन यू, यू मस्ट लर्न दिस. तो बस इतना ही मुझे पता है और इसीलिए मैं सीखना चाहती हूँ. चलो बहुत बढ़िया. चलो अभी देखिए आपको एक कार्ड दिखाते हैं. कार्ड दिख रहा है आपको सामने? एक कार्ड है. हाँ जी सर. कार्ड में क्या दिख रहा है इसमें आपको? मतलब कोई जो लेमन के तरीके से आप बता सकते हो कि कार्ड में क्या नजर आ रहा है? मुझे एक लेबोरियस, एक मेहनती इंसान दिख रहा है जो. आपने मेहनती क्यों बोला? कहां से पता लगा ये मेहनती है? क्योंकि इसके पास कुछ टूल्स हैं और इसने काफी कुछ बना के रखा है अपने पास. ठीक है. तो कॉन्स्टेंटली बड़ा खुश होके अपने काम में मगन है ये. ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया. दूसरा, कार के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है रोमन में. हाँ जी, 8. तो अगर 8 नंबर क्या होता है? 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है. अब ये नहीं पता होगा आपको, चलो मैंने बता दिया. 8 नंबर, नंबर 8 न्यूमरोलॉजी के अंदर शनि का नंबर होता है. ठीक है, यह सिंपल सी बात है. चलो कोई मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. अगर किसी इंसान ने मेरे से पूछा होता है कि सर मेरा, मुझे मेरी जॉब नहीं है या मेरा, मैं कुछ जॉब लेस हूं या काम नहीं है मेरे पास, तो क्या नियर फ्यूचर में मेरी जॉब या काम मुझे मिल जाएगा? और अगर ये कार्ड निकल कर आया था तो हमें क्या बोलना चाहिए था? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि कुछ कुछ मतलब आगे एक्शन है ना यहाँ पे. हाँ, कुछ रुका हुआ नहीं है. हाँ, तो वो एक्शन से पता चलता है कि हाँ ये हो जाएगा, है ना. तो कितना इजी था हमारे लिए कि कार्ड कह रहा है पहले, सबसे पहले तो 8 नंबर को पकड़िए. 8 नंबर ही शनि. शनि इज व्हाट? शनि इज वर्क. शनि काम है, शनि मेहनत है, शनि लेबर है. यानी कि शनि का मतलब है काम. ओके, 8 नंबर वैसे ही बता रहा है शनि की, भाई शनि काम के लिए, काम वाला कार्ड आपके पास आ गया. तो यहाँ पर दिख क्या रहा है? उसने किसी ने पूछा काम के लिए पूछा कि मेरे पास काम नहीं है अभी. और यहाँ पर क्या है, हमें कार्ड में क्या नजर आया? एक काम करता हुआ इंसान नजर आ गया. हम सीधा बोल सकते हैं ना भाई साहब रुक जाइए, बहुत जल्दी आपको काम मिल सकता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन काम आपको जरूर मिलेगा क्योंकि शनि कभी कभी डिले भी कराता है. अब आपको जितनी कारकता तो याद होंगे, नंबर्स के, कलर्स के, पिक्चर्स के, जितनी नॉलेज होगी है ना, उतना आप इसको कनेक्ट करते चले जाएंगे. शनि क्या है? शनि डिले भी है थोड़ा सा. तो हम बोलेंगे काम जरूर मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ डिले हो जाए. आपने सोचा अगले महीने लग जाए, अगले महीने ना लग के 2 महीने बाद लग सकती है. वो टाइम फ्रेम भी करना बाद में सिखाया जाता है कि टाइम फ्रेम कैसे करते हैं. लेकिन हाँ, इतना है कि क्वेश्चन काम के लिए पूछा गया है, काम से रिलेटेड कार्ड निकल कर आ गया, तो हम बोल सकते हैं भाई साहब का काम मिल जाएगा. ओके सर, आपने तो एग्जांपल ही मेरे क्वेश्चन का दे दिया. मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन भी नहीं पूछना पड़ेगा. अब देख लो, मैंने रैंडम लिया, पहले मैं दूसरा कार्ड निकाला था, लेकिन पता नहीं मेरा हाथ चल गया, ये दूसरा कार्ड आ गया. हाँ, ये ऐसा भी होता है, जब आप मैं किसी को चूज करता हूँ उसी से उस कार्ड का रिलेशन है कुछ ना. हाँ, परसों से मैं ये क्वेश्चन लेके बैठी थी. तभी आप देखिए, मैंने पहले ये वाला कार्ड निकाला था, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला. हाँ जी, ठीक है. इसको बदलकर मैंने पता नहीं क्या उंगली चली अपने आप ही, और यहाँ पर मेरा ये रुक गया. तो इसका मतलब है इस कार्ड से आपकी जो वाइब्रेशन, आपके मन में ना कुछ काम से रिलेटेड प्रश्न चल रहा था. हाँ जी, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली एक्यूरेट है सर, बिल्कुल वेट करना पड़ सकता है क्योंकि शनि है, लेकिन काम करता हूं इंसान, आपको काम जरूर मिले. तो इस तरह के आंसर दिए जाते हैं. दूसरा ये भी पकड़ सकते हो आप, समझिए देखिए, जहां पर इसका लेफ्ट पैर स्टेबल है, राइट पैर अनस्टेबल है. देख सकते हैं इसका? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी. है ना? तो इसमें क्या हो रहा है, राइट पैर में क्या हो रहा है, मूवमेंट आ रही है ना, जैसे आगे की तरफ किया हुआ है. हाँ जी. तो कोई अगर पूछता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं कहता अब ये बंदा सोचिए, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो शायद, क्योंकि राइट पैर थोड़ा आगे है और राइट पैर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है. यहां से हम ये भी बोल सकते हैं. दूसरा, ये इंसान एक ही जैसी चीज बना रहा है लगभग, है ना, सभी देखिए, सभी में एक जैसी चीज बन रही है ना. तो ये इंसान बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, प्रिसाइज काम करने वाला इंसान है, सोच समझ के, है ना, ये छोटी छोटी बारीकी चीजों पर भी ध्यान देता है. अगर कोई लड़की मेरे से पूछ लेती कि सर मुझे बताओ मेरा हस्बैंड कैसा मिलेगा,
क्वेश्चन अगर ये आता कहीं से, सर मेरा होने वाला कैसा होगा, तो मैं दो बातें तीन बातें ऐसी बोलता जो उसके हस्बैंड जरूर मिलने वाली थी, क्योंकि कार्ड ही मेरे पास ऐसा निकल कर आया। सबसे पहले बोलता आठ नंबर की जो करेक्टरिस्टिक है उसके हस्बैंड में होगी। अब आठ नंबर की करेक्टरिस्टिक अगर आपको पता है, नहीं पता तो मैं थोड़ी बता, आठ नंबर क्या है, आठ नंबर कंसिस्टेंसी है, लॉयल्टी है, मेहनत है, तो दो तीन चीजें आपके हस्बैंड में जरूर होंगे। अगर मैं कोई पूछता कि वो कंसिस्टेंसी होगी उनमें, लॉयल होंगे वो, और मेहनती होंगे, वर्कहॉलिक होंगे। ओके, दूसरा उनका जो फोकस रहेगा हमेशा छोटी छोटी बातों पर वो फोकस्ड करेंगे। अभी मैंने कहां से पकड़ा, डिटेल ओरिएंटेड, डिटेल ओरिएंटेड, यस, कहां से पकड़ा, क्योंकि इस पिक्चर में जो दिखाई जा रही है, एक इंसान कुछ चीज प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ बना रहा है, और वो सारी एक जैसी चीज बना रहा है। जब आपको एक जैसी चीज बनानी होती है ना, तो कितना फोकस्ड होकर बनानी पड़ती है, क्योंकि एक जैसी बनानी है ना, गलती ना हो जाए, और अपने हाथ से काम कर रहा है। अगर किसी ने पूछा होता रैंडमली कि भाई मैं मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, अब इस कार से जॉब भी आती है और बिजनेस भी आता है। अब बोलना क्या है वो तो कोर्स में बताऊंगा, इससे दोनों चीज आती है, क्योंकि ये अपने हाथ से काम कर रहा है, तो हो सकता है कि ये अपना, आप उसको ये बोल सकते कि भी अपना काम खुद करो। लेकिन अगर आपको सबसे पहले आठ नंबर शनि नजर आ गया, शनि इज लेबर, शनि दूसरों के अधीन काम करने वाला व्यक्ति, हम बोल देते कि आप जॉब करो। सर मुझे जो इस कार्ड को देख के फीलिंग जो आती है, जो अंदर से इंट्यूशन आती है, वो बिजनेस की आती है इसको देख के। वो बताया ना, वो आपको बताया, सिखाया जाएगा कि बोलना क्या है। कई बार कार्ड में यस और नो दोनों हो रहे होते रहते हैं, वो सारे प्रोबेबिलिटी को मिक्स करता है कार्ड, उसमें बताया जाएगा आपको कैसे आंसर देने होते हैं। दूसरा, वो सारे मतलब हो सकते हैं इन कार्ड्स के, ओके, नंबर्स को, कलर्स को पकड़ सकते हैं, ठीक है। आपका राखी जी थे आप? हाँ जी सर। दूसरी एक और मैंने कैंडिडेट को इनवाइट किया सर, मैं थी सर, शिल्पा जैन। शिल्पा, शिल्पा, अब देखिए राखी जी, अगर ये कार्ड निकल कर आ जाए, इसके लिए कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया तो क्या बोलोगे आप? राखी जी या नाम क्या था मैम आपका? शिल्पा। शिल्पा बताइए, शिल्पा जी क्या बोलेंगे आप? कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जी मेरा वहां रिश्ता होगा नहीं होगा, मेरी जॉब लगेगी लगेगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं बनेगी, क्या क्या बोलेंगे? मैं अपना क्वेश्चन बताऊं आपको कि इसका पिक्चर का डिस्क्रिप्शन बताऊं? नहीं नहीं, एक जनरल क्वेश्चन, मतलब कोई भी आप क्वेश्चन पूछो। जी फाइनेंशियल इश्यूज कब सॉल्व होंगे सर? नहीं नहीं, वो तो आपने वैसे पूछा है, आपका अपना प्रश्न है या अभी कैसा है? मेरा अपना क्वेश्चन। अच्छा, तो अभी चलो अगर यही कार्ड निकल गया, क्योंकि अब आपने मुझे नहीं पता था क्वेश्चन क्या है, मैंने ये सोचा कि जो भी आंसर होगा इसी कार्ड से आएगा, ठीक है। अब रैंडमली ये भी कार्ड आया, मेरे पास तो बड़े सारे कार्ड थे दिखाने के लिए, लेकिन उन मैम ने वो वाला कार्ड दिखाया जो उनकी डिजायर चल रही थी, अभी दिमाग में चल रहा था, ओके। लेकिन आज हो सकता है कि आपकी कुछ चीज चल रही है, लेकिन उसमें कुछ सेटबैक मिल सकता है। इस कार्ड में क्या नजर आ रहा है आपको? तीन तलवारें दिल में डली हुई है, तो मतलब क्या हो गया, दिल टूटने की बात हो रही है। तो अभी हाँ, तो हो सकता है, मैं अभी की रीडिंग नहीं दे रहा आपकी, आपको मैं तो एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता और ये कार्ड निकल कर आ रहा होता तो हम क्या बोलेंगे। आपने पूछा कि भाई मेरी फाइनेंशियल क्या रहेगी, तो हम कहते हैं फाइनेंशियल के मामले में अभी दिल टूटेगा, कोई बहुत बढ़िया भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आता। ये किसी ने किसी और पर्पज के लिए पूछा था, कोई कहता जी मेरे पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ कैसी रहेगी, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, नेगेटिव बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, धोखा मिलेगा। अब दिल में तलवारों का मतलब क्या है भाई, पीठ के पीछे कोई वार कर जाए तो कोई भी कर सकता है ना अनजान आदमी, लेकिन सामने दिल में खंजर कौन घोप सकता है, जिस पे आप पूरा ट्रस्ट करते हो, जिसको आप अपना वेल विशर मानते हो, जो आपके बहुत नियर डियर में है। यहां से आंसर आए सर, जो थ्री नंबर है इसका कोई सिग्निफिकेंस? इसका भी सिग्निफिकेशन है, इसका सिग्निफिकेशन यही है, तीन नंबर क्या, जुपिटर का मतलब है। तो इसका रिजल्ट अब क्या बोलते हैं, हम अगर रीडिंग देनी होती तो हम ये बोलते हैं, फिलहाल पहली बात तो अभी आपके लिए जो इन्वायरमेंट है आपके अनुकूल नहीं है, अभी जो माहौल है ना, जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है या आपके मन मुताबिक नहीं है, ठीक है, पहली प्रेडिक्शन से याद। दूसरा, अभी जो भी करोगे
उसमें या तो दिल टूट चुका है नहीं तो टूटने वाला है, जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपने परसेप्शन बना रखी है किसी इंसान से, कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी, वहां पर दिल टूटने वाली बातें आएंगी। और अगर मुझे 3 नंबर की वाइब्रेशन भी दिख जाती रीडिंग करते वक्त, तो मैं क्या बोलता कि धोखा मिलने के बाद ही, मतलब पहले डाउनफॉल जाएगा उसके बाद आप राइज करो, ये बात हो ना, ठोकर लगने के बाद अकल आती। तो ये कार्ड उसी को रिप्रेजेंट करता है, पहले ठोकर लगेगी, गिरोगे, उसके बाद ऊपर चढ़ोगे, ठीक है। और सर ये हार्ट के नीचे कुछ बना हुआ है एक ब्लैक रंग का, कहां पर? ये नहीं नहीं ये नीचे राइट हैंड साइड में छोटा सा, ये सिग्नेचर होते हैं, ये हर कार्ड के ऊपर है, इसका कोई अच्छा, ये आर्टिस्ट का सिग्नेचर है। लेकिन सबसे पहले देखो एक है ना, बादल छाए हुए हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे पिक्चर में सीन नहीं दिखाते, कोई ग्रोबरी हो रही होती है, कोई है ना कोई भयानक सीन दिखाना होता है, क्या होता है वो दिखाते हैं, बड़ी बिजलियां गरज रही हैं, घने बादल, बारिश हो रही है बड़ी तेज। यहाँ पर यही तो हो रहा है कि बादल छाए हुए हैं एनवायरमेंट में, बड़ी बारिश हो रही है, बूंदे देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, और यहाँ थी तलवारें, तो इसका मतलब है कार्ड का जैसा एनवायरमेंट है, जो इंसान प्रश्न पूछ रहा है उसकी लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसा ही एनवायरमेंट होता है। अब ये कार्ड आपके नाम से आया तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ इस तरह का जरूर चल रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता तभी कार्ड आपके पास आया। आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी माहौल ठीक नहीं है, हर तरह से कहते ना अंधकार और थोड़ा सा चल रहा है कुछ ना कुछ, मैं नहीं पता क्या है लेकिन जरूर ऐसा है, ठीक है। ये है कार्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि पहली बार आप मिले हो, मैंने रैंडमली आपको दिया, मैं जानता हूं मैंने वो पक्षी वाला क्लास किया था। अच्छा पक्षी वाला क्या नहीं याद रहता बेटा, मतलब इतने हाँ, सारे आपको बताना हाँ, पक्षी वाले में 120 बच्चे थे मैंने किया अच्छा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चल रहा है, तभी ये कार्ड आपको आपके नाम से रुका है। तो कार्ड में इतनी पावर है, समझिए कि आपने जो सोचा उसी पे मेरा हाथ रुक गया, और ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे कार्ड ऐसा कैसे होता है कि 78 कार्ड्स हैं, उनमें से जो प्रश्न पूछा जाता है उसी के कार्ड हम निकालते हैं, उससे आंसर देते हैं, कैसे ये मैजिक होता है, कैसे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, तो ये कोर्स में आएंगे सब सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। चलो ओके, एक और को मैं लेता हूँ, कोई और है क्या नाम लिखे प्लीज, चार उसमें लिखा होगा शायद किसी ने, सर फीस क्या है इस कोर्स की, प्रियंका जी ने लिखा है, फीस है 7999 प्लस GST। शाश्वत जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ प्लीज, शाश्वत मेहरा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शाश्वत जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है सर, अब आ रही है। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी शाश्वत जी बताओ। डेविल कार्ड, डेविल तार, डेविल Not a devil. Not devil. सर ये तो negative card लग रहा है। लग रहा है आपको? ठीक बात है। हाँ सर पूरा negative। कोई बात नहीं, आप कोई प्रश्न पूछो, कोई प्रश्न जो दिमाग में आ रहा है सर, manipulate नहीं, जो thought में आ रहा है। सर मेरा tiffin center का अभी हम लोग ने business शुरू किया है, तो कैसा रहेगा? Okay, ठीक है। अब आपने मुझे पता था material world से कोई question पूछने वाले हो। Yes sir. और ये मटेरियल वर्ल्ड का ही कार्ड है। ओके सर। आपको उस बिजनेस में सक्सेस चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर सूरत में चाहिए, इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। हाँ सर। यस और नो? यस सर। ये कार्ड यही बता रहा है। तो सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब मिलेगी कि नहीं। सर हमें समझ में आ गया ना, जब आप टेरस सीख जाओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। आपको सक्सेस मिलने वाली है, दुनिया पता नहीं क्या बोलने वाली है इस कार्ड से, सर डेविल है, डेविल है सर, ये प्योर मटेरियल लाइफ इज डेविल है सिर्फ। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइएगा, आप बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ की तरफ भाग रहे हो, ये बता दो मैं आपको। हाँ सर। ये कार्ड मुझे ऐसी इंप्रेशन दे रहा है कि इस वक्त आपके दिल दिमाग में ना प्योर मटेरियल लाइफ है, बिजनेस सक्सेस हर सूरत में चाहिए, वो तक लंबा कंपटीशन भी चल रहा हो आपका। Yes, sir. मुझे कैसे पता भाई? ये कार्ड की टेक्निक है, ठीक है। आपके लिए सिर्फ यही है कि चीजें मिल जाएंगी आपको, नो डाउट,
मिल जाएंगे yes, मुझे भी ऐसी इंट्यूशन आ रही है, लेकिन मैं चाहूंगा फिर भी प्योर मेटेरियल लाइफ के साथ साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ भी ले आना। बेशक अभी भागो, नो डाउट, अभी प्योर मेटेरियल बनो, सक्सेस पाओ, लेकिन ये रेजोल्यूशन लाओ कि जहां मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस आज यहां पर है, एस्टैब्लिश हो जाए 3 महीने 6 महीने जो आप, जो कि आपकी एक बेंचमार्क होगा, उसके बाद थोड़ी स्पिरिचुअल लाइफ जीना शुरू कर देना। यस सर, भाव बढ़ा लें, ठीक है, आज ही प्रण ले लेना, जैसे ये 3 महीने में मेरा जो मेरा रेजोल्यूशन हो गया, माता मैं तेरे दर पर आऊंगा, मैं गुरुद्वारे जो भी आपने जिस सिस्टम में जरूर आपको चीज मिल जाएगी। और सर ये आपका टैरो का मैंने सेशन मतलब कोर्स ज्वाइन किया है, तो सर इसमें सक्सेस है? आपने सर आपका ये टैरो का कल से क्लास होने वाला है ना? हाँ हाँ हाँ। तो सर उसमें कोर्स में ज्वाइन किया है, तो सर इसमें मेरा सक्सेस है? मैं चाहता हूँ कि उसको भी आप मटेरियल से देख रहे हो, उसको भी आप मटेरियल के चश्मे से देख रहे हो। सर मैं चाहता हूँ कि मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहे। हाँ तो आ गया ना सर, मैंने वही तो बात की बोली है। हाँ सर ठीक है, अब आपने जो भी मटेरियल वर्ल्ड के लिए सोचा है वो सक्सेस की तरफ जा रहे हो। यस सर, अगर आप कार्ड ये कहते हैं ना, हाल तो ऐसा सोचते नहीं आप, आप कहते हैं ना सर मैं कार्ड इसलिए करना चाह रहा हूँ मैं दुनिया का भला, मैं कहता पहली बात तो झूठ है। दूसरी बात अगर अभी प्रश्न आपका ये होता है कि मैं दुनिया की भला करना चाहता हूँ, तो मैं कहता नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाँ, कार्ड हमें कहता है कि तुम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो। हाँ सर हो सकता है, ठीक है कोई बात, अभी कार्ड कह रहे हैं कि पैसा कमा लो, ठीक है सर कमा लूंगा। अरे ये कार्ड ही पैसे कमाने का है। Okay, आप ये पूछोगे थोड़े दिन में आके, सर मुझे पैसा तो आ रहा है, मुझे थोड़ी भक्ति पढ़ा कमानी है, ये देखना मैं थोड़ी भक्ति कमा सकता हूँ नहीं कमा सकता, स्पिरिचुअल लाइफ कमा सकता नहीं कमा सकता, ठीक। थैंक यू सर। लेकिन हमें डेविल नहीं बनना, ज्यादा पैसा कमाएगा ना इस जैसा बन जाएगा, देख ऐसा बनना है क्या हमें? नहीं सर, इसलिए मैंने बोला जब तेरे आप बेंचमार्क हो जाए उसके बाद थोड़ी सी भक्ति बढ़ा द्वारा चलिया कुछ कर ले, ठीक है सर। कल से स्टार्ट हो रही है ना क्लास? कल से क्लास स्टार्ट है हमारी। यस, मैं फिर अनाउंस कर देता हूँ, हमारी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं जुड़े हों, उनके लिए अनाउंसमेंट कर मैं फिर सभी के क्वेश्चन आंसर हम देने वाले हैं, और हमारे साथ हमारे स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़कर अभी पिछले बैच से गए हैं वही आपके प्रेडिक्शन करने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रोफेशनल टैरो कोर्स है, ये ऐसा कोर्स नहीं है इसको करने के बाद घर बैठेंगे आप, हमारा स्टूडेंट घर बैठ ही नहीं सकता, ये भी बता दूंगा, क्योंकि उसमें इतना जील, उसमें उतना एंथुसियम हम भर देते हैं, चाहे फ्री करो आप, लेकिन आप इस साइंस को यूज जरूर करते हो, मैं इतनी एनर्जी आपके अंदर डाल देता हूँ, ओके। और हम यहां तक आपकी हेल्प करते हैं कि अगर इस साइंस से आपने पैसा भी कमाना है कमाइए, नो डाउट, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे कॉज से, पहले भला हो सबका उसके बाद हमें 2 पैसे दिए, तो हम आपकी हेल्प करते हैं कि कैसे ऐप में काम किया जाता है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं वो, है ना, ओके। और दूसरा किसी ने अपना भी काम करना है तो कैसे कस्टमर लाएंगे, तो यहाँ तक हम गाइड करते हैं, सोशल मीडिया होता क्या है, अपनी प्रमोशन कैसे करें सोशल मीडिया पर, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, क्योंकि हर इंसान कहता है मुझे क्या जरूरत है, हम अपना कंप्यूटर क्यों खड़ा करें, लेकिन हम कहते हैं हम बच्चों को सिखाते हैं और फिर वो काम पर कैसे लगे यहाँ तक उसकी हेल्प करते हैं, तो अपने से जितनी हेल्प हो सकेगी हम 100% करते हैं और आपसे जुड़े रहते हैं। तो ये 20 क्लासेस का कोर्स है, कल से शुरू हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, 7 ट्रिप लाइन प्लस 18% जीएसटी की फीस है, इसके अंदर हम फ्री एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स 2500 का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। इसके बाद 15th को न्यूमरोलॉजी हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, आप में से जो भी लोग जुड़े हैं अभी जुड़े रहिए, 8 तारीख के बाद 9 तारीख से मेरे वेबिनार शुरू हो जाएंगे न्यूमरोलॉजी और वास्तु के ऊपर, ओके। तो 15 से हमारा न्यूमरोलॉजी लॉन्च हो रहा है, 7:30 की क्लास शुरू होगी, हमारा साथ न्यूमरोलॉजी पढ़ने का आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री देते हैं, कोई इंस्टीट्यूट बता दीजिएगा कोई भी इंस्टीट्यूट कोई 1000 रुपए का आपको सॉफ्टवेयर फ्री नहीं देगा, और हमारा हम आपको कम से 8.5-9 हजार रुपए के सॉफ्टवेयर फ्री दे रहे हैं, क्योंकि हमने खुद बनाया है, और एक सॉफ्टवेयर हमारे पास वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है, दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर है, अब तक किसी ने नहीं बनाया। आपको बताएंगे कि नाम का सिलेक्शन कैसे करना होता है, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, ये मैं फिर बता रहा हूँ, जितना मर्जी करते रहिए, उसके पहले बेस देखा जाता है कि जो नाम अक्षर है वो सूट करता नहीं करता आपको, उसको देखे बिना अगर आपने किसी का नाम चेंज किया कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ओके। तो एक प्रोसेस है नाम चेंज करने का, आगे वेबिनार के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ, जितनी चीज मैं फ्री में सिखा दूंगा, आप आइए इसको ज्वाइन कर सकते हो, 25 क्लास का कोर्स है, लाइव क्लास होगी, इसे PDF ई कोर्स मटेरियल रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट आपको सब कुछ दिया जाता है। 15 को ही हमारा प्रोफेशनल वास्तु कोर्स शुरू हो रहा है, अब हो सकता है दोनों में से
कोई मैं एक 15 को शुरू कर दूं, एक 17 को शुरू कर दूं, एक आध दिन का आगे पीछे होता, लेकिन डेट हमारी यही नहीं, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, ये भी हमारा 15 या 17 से देखेंगे जैसे ही लगेगा, कोर्स शुरू कर रहे हैं इसको, प्रोफेशनल वास्तु कोर्स। इस कोर्स को ये 25 लाइव क्लासेस आपकी होंगी, इसमें भी सारा कुछ आपको मिलता है, पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब कुछ आपको सीखेगा। इसमें सबसे खास बात है जो हमारा एक एस्ट्रो वास्तु कोर्स है 7,500 का, और ये वर्थ है एस्ट्रो वास्तु, वरना तो एस्ट्रो वास्तु 50 बच्चे तो मेरे वैसे ही खड़े हो जाएंगे, अगर मैं वास्तु भी छोड़ दूं ना, एस्ट्रो वास्तु पढ़ाना छोड़ दूं तो भी 50 बच्चे तैयार बैठे हैं पढ़ने के, लेकिन मैं फिर कहता हूं मैं फ्री पढ़ा दूंगा, वास्तु पढ़ लीजिए, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु पढ़ने का मजा भी तब है अगर आपको बेसिक वास्तु का ज्ञान है, कि हमारा रेजिडेंशियल कंप्लीट कोर्स है वास्तु का, इसके साथ आपको एस्ट्रो वास्तु 7,500 का एक अलग कोर्स है मेरा, इस बैच में मैं फ्री दे रहा हूं, आगे नहीं देने वाला, ओके, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, और छोटे छोटे कोर्सेज के लिए रुके रहिए, वो रेकी हमारा आ रहा है 499, 2 दिन का कोर्स रहेगा, एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमारा आ रहा है 1999 के अंदर, ओके, ये भी बहुत यूनिक कोर्स है, आप इसको भी कर सकते हैं, कमिंग सून है, अब टाइम नहीं मिल पा रहा ना, इतने सारे कोर्स लॉन्च होते हैं, तो ये बहुत जल्दी ये सारे जून में लॉन्च होंगे कोर्स। इसके बाद सिजिल सिंबल्स का कोर्स आ रहा है 699 का, ये मैं खुद लेने वाला हूँ, ओके, इसके बाद मास्टर स्विचवर्ड्स का कोर्स है 3 दिन का, सिर्फ 999 में। देखिए छोटे छोटे कोर्स से मेरा मकसद सिर्फ कमाने का नहीं होता, ये रहता है कि आपने कोई मॉडलिटी सीखी है, आप अपनी नॉलेज को और कैसे इन्हांस करेंगे, इसलिए छोटे छोटे कोर्स 2-4-5 दिन के कोर्स हैं, ये मैं 1,000-2,000 की रेंज में कोशिश करता हूँ लेकर आता कि आपकी जेब से भी कुछ ना जाए ज्यादा और आपको नॉलेज ज्ञान मिले, तो ये भी मैं खुद लेने वाला हूँ कोर्स। और एक हमने फ्री योगा क्लासेस शुरू की हैं, अभी हमने 3 दिन के लिए रखा है, हफ्ते में 3 दिन हम लेते हैं क्लासेस, यहाँ पर जो ले रही है क्लास वो प्रोफेशनल योगा ट्रेनर है, आप उनसे सीख सकते हो, आप देखिएगा 57-58 की है शायद वो, उस उम्र में भी कैसे कितना अच्छा योगा करती हैं। तो हफ्ते में 3 दिन है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3-4, और ये फीमेल को ध्यान में रख के टाइम स्लॉट लिया गया है, और आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो ऑल आर वेलकम, कोई भी सीख सकता है, सिर्फ हमने ये नहीं लिखा तो है एक्स्ट्रो क्लास की फैमिली का पार्ट होना चाहिए, लेकिन कोई भी सीख सकता है, ओके, हमारी फैमिली तो इन्वाइटेड है, कोई भी आपने कोर्स किया तो आइए आप सीखिए फ्री में, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है, एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म उस पर्सन को पैसा दे रहा है, लेकिन आपके लिए फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा, ठीक है। और ये पंचपक्षी हम कर चुके हैं कि रेकी लेवल 1 ये आ ही रहा है, तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे आ रहे हैं, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं आ रहा। और अभी से मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जुलाई में 3 नई चीजें, ओके, ओशोजन कार्ड, एंजेलिक कार्ड, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग और लाल किताब, ये सब जुलाई में लॉन्च हो रहे हैं। इस महीने तैयारी तो हो चुकी है अभी, लेकिन टाइम नहीं है अभी करने का, क्योंकि अभी 7-8 कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, जुलाई में हम इन सब कोर्स को लॉन्च करेंगे। जो लाल किताब करना चाहते हैं, फेस रीडिंग करना चाहते हैं, फार्मिस्ट्री करना चाहते हैं, और आपको बताया जाएगा, कोई सोचता है ना फेस रीडिंग 2 दिन का कोर्स है, 1 दिन में सीख लोगे, 25 क्लास कम से कम लगेंगे सीखने, 25 क्लासेस, इतना बड़ा कोर्स है, ठीक है। तो फार्मिस्ट्री की भी इतनी सारी क्लासेस हम लेने वाले हैं, जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीज मिलने वाली है, ओके। अब हमारे जो टीचर हैं, कंचन प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, निशु अनम्यूट कर लीजिए, और कौन करेगा, और कौन है प्लीज नाम लिख दीजिए, और अब हम आपके रेखा जी भी है, रेखा जी प्लीज अनम्यूट करो। चलो अभी 3 से ले लेते हैं, फिर आगे 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 ले लें, ठीक है। निशु जी आप भी अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। ऑन है सर। ऑन है, अच्छा नहीं आपके वीडियो ऑन नहीं थे ना, वीडियो ऑन कर लो। हाँ वीडियो ऑन करो, और क्या, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन आंसर लेने शुरू करते हैं। देखिए ये स्टूडेंट है हमारे, मैं तो रैंडमली लिख देता हूँ कि भैया आओ, मैं ये नहीं कहता कि मेरे 2 बेस्ट वो थे स्टूडेंट वही करेंगे,
मैं कहता हूँ सभी बेस्ट है मेरे लिए, ठीक है, आप कोई भी कर सकता है। एक चलो सबसे पहले जो कल रह गए थे प्लीज, एक तो शिल्पा जैन है शायद, शिल्पा जी, शिल्पा जैन, हाँ सर, हाँ जी सर, ये वाला क्लास जो है टैरो का आप सिखाएंगे क्या, क्या आपके स्टूडेंट सिखाएंगे? नहीं मैडम मैं ही सिखाऊंगा, ये तो बच्चे कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि एक महीने में सीखकर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये तो मैं ये दिखा रहा हूं कि हम जो बोलते हैं कि भाई आप एक महीने में सीख सकते हो और ऐसा बन सकते हो, सिखाऊंगा तो मैं ही ना, क्योंकि 6:30 से आपका भी 7:30 से वास्तु का है ना सर, कोई दूसरा क्लास है ना सर, इसलिए मैंने सोचा था। नहीं 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 मैं सीखूंगा। अच्छा ठीक है सर, ये था चलो ठीक है। देखिए मैं ही क्लास लेने वाला हूँ, ये तो बच्चे क्या है कि अभी पढ़कर गए हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक महीने में पढ़कर भी आप कैसे कर सकते हो, बात ये नहीं कि हम कितनी एक्यूरेसी जाएगी वो अलग बात है, अगर आपको एक महीने में कर कर बोलना आ गया ना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी, क्योंकि यहाँ पर दो दो साल लोग सीख के जाते हैं, उनको बोलना नहीं आता कार्ड से कैसे डिकोड करना है, और हमारा स्टूडेंट एक महीने में ऐसा बोल रहा है, ठीक है। चलो हर्ष तूने क्या पूछना भाई बेटा, लाल क्या बात है, तो कैसे हैं सर? कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया हर्ष, तू बता कैसा बच्चे? सर बढ़िया हूँ, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ चल रहा है, बताया थे, चलो कोई बात नहीं, पूछ कोई प्रश्न पूछ। सर पूछना सर कि जैसे जमीन उमीन का कोई काम अभी चालू कर रहे हैं, किए हैं, वो जमीन में काम मेरा सक्सेस होगा, किसी को दिलाना है सर जमीन? अच्छा चलो, इन्होंने प्रॉपर्टी, बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है इनका, इन्होंने प्रॉपर्टी का कोई काम शुरू किया है, देखिए इनका प्रॉपर्टी का काम कैसा रहेगा, मतलब ब्रोकरेज मेरे को मिलेगा लेकिन किसी को दिलाना है सर। अच्छा चलो ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी का काम हम देख रहे हैं कि आपको सूट करता नहीं करता, ठीक है। यस सर। चलो आप निशु एंड कंचन आप दोनों कार्ड निकालो प्लीज। सर ये एक बार अपना नाम बताएंगे? नाम बताओ। माय नेम इज हर्ष लोहिया। हर्ष लोहिया, हर्ष लोहिया, लोहिया LOHIA। हर्ष जी आप एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं जमीन का काम कर सकूंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कल मैं जा भी रहा हूँ किसी से बात करने के लिए। ओके सर, इसके लिए यस नो का कार्ड निकाल दें? हाँ निकाल दो, जो जो आपको ठीक लग रहा है निशु वो करो। ये नहीं है, ये कह रहे ना कि होगा कि नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं निकालो। ये वो बच्चे हैं जो जिनको बोलना नहीं आता था, जो डरते थे पहली क्लास में, सर हमसे नहीं हो पाएगा। हर्ष जी yes, ma'am. बताना चाहूंगी कि आपका बेस में ये कार्ड आया है, तो मतलब इस टाइम जो हालत है ना वो ठीक नहीं है। भैया बैसाखी पर है तू अभी, तो तेरे फाइनेंशियली कोई हालात बहुत बढ़िया नहीं दिखा रहे कार्ड अभी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। फर्स्ट कार्ड आपका आया कि आप जो भी है उसको मतलब अभी लेके बैठे हो, आप एक्शन में नहीं आए हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं ऐसे पैसे कमा लूं, मैं इस तरह से कर लूं, प्लानिंग कर रहे हो, आपके पास मौका भी है लेकिन आप अभी सोच ही रहे हो, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है। और ये कार्ड ही आपका ये शो कर रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कल आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको डिवाइन दे रहा है, जो आप इतने दिनों से प्रेयर कर रहे हो भगवान से या बैठ के जो बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ये समझिए कि जो आपका मैनिफेस्टेशन है ना वो वर्क कर गया, ठीक है। सोच ही सोच रहा था, अब डिवाइन आपको तेरे को ये भी कह रही है, इन्होंने तीनों कार्ड निकाल दिए तेरी अभी क्या स्थिति चल रही है, तो सोच क्या रहा है। ये तीसरा कार्ड ये निकला कि आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और आप ये काम तो स्टार्ट कर रहे हो, नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जो डॉग है ना
ये आपको ये बता रहा है कि आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। जब आप किसी की हेल्प लेंगे अपने मतलब जिसको नॉलेज है ना उसकी हेल्प लेके आपको चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया कि चलो प्रॉपर्टी का काम है मुझे आई जाएगा हो जाएगा। नहीं, इसमें ये जो कार्ड आया ना ये आपको बता रहा है कि आपका हो जाएगा डिवाइन की तरफ से, लेकिन आपको खुद को केयरफुल जरूर रहना चाहिए। और मैं पहले से ये चीज कर रहा हूँ, मैं पहले से किया था लेकिन हुआ नहीं मैम। हाँ, फिर अभी चालू किया, ये कह रहा है कि किसी का साथ लेके नहीं किया, तुमने अकेले किया होगा पहले भी। हाँ, आपको नहीं, नहीं साथ में था मैम। अच्छा, कोई वैल्यूएशन नहीं होगा फिर वो आपका। गाइडेंस लेनी चाहिए किसी की, जिसको ज्यादा नॉलेज हो ना उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए। मैं आपके लिए एक एंजल कार्ड निकालती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अब ये रेमेडियल कार्ड भी निकल रहा है तेरे लिए। ओके मैम, थैंक यू। निशु आपका क्या निकला था? जी सर, मेरा तो पहले नो निकला था, फिर मैंने कार्ड को देखा कि कार्ड नेगेटिव आए हैं कि पॉजिटिव आए हैं। उसमें ये तो टेन ऑफ पेंटिकल का बॉटम ऑफ डेक है, तो ये अपने पैसे को लेके बहुत परेशान है, विचार कर रहे हैं इनके पैसे, ये अपने काम के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं अभी। ऐसे ही इन्होंने निकाला था कंचन ने भी, कि अभी काम को लेके ना अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो काम तो आ रहा है, सोच रहा है, लेकिन कंफ्यूजन मतलब जॉबलेस भी है सर, भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं। केवल कार्ड आपका यही शो कर रहा है, वो यही शो कर रहा है, दोनों तरफ वही कार्ड निकल कर आ रहे हैं कि तेरी एक्शन में कमी है, अभी सोचता ज्यादा है करता कम है। अगर आप किसी के साथ पहले पार्टनरशिप में भी रहे हैं ना, तो आप मतलब वो दूसरी तरफ है, वो दूसरी तरफ है, तो मतलब आपका ना वो जैसे वो हो जाता ना एक बार को कि हाँ हमारे विचार मिल रहे हैं या कुछ, वो नहीं हुआ है। यस मैम, अभी भी जो कर रहा हूँ साथ में कोई काम करता है मैम, कोई जमीन के साथ में काम कर रहा है। ये बिल्कुल ध्यान से किसी की गाइडेंस लीजिए, उससे आप अपना काम शुरू करिए, बैलेंस बनाइए उसमें और शुरुआत करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। और आपका मैंने गाइडेंस का निकाला है, तो गाइडेंस में ये आ रहा है इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में आपका काम बन रहा है, डोंट स्टॉप। अब जैसे पहले आप बैठे हुए थे ना कि मैं ये कर लूंगा, या आप सोच रहे थे, अब आपने रुकना नहीं है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपको सिग्नल मिल गया कि डिवाइन चाहता है कि आपको वो काम मिले, ठीक है। और इस टाइम आपका परफेक्ट टाइम चल रहा है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, तेरा टाइम अच्छा होगा बेटा, मेहनत कर ले। अब तू बहुत दिन से परेशान है, देख रहा हूँ 6 महीने से तू बहुत परेशान है, ठीक है, ये तो बात है ना। तो अब मतलब डिवाइन ये कह रही है, क्लू दे रही है कि अब तू काम करेगा ना, एग्जीक्यूट कर, तेरे काम बनेंगे। अब अच्छा टाइम जमीन वाले करना चाहिए, मतलब कर ले अभी ना, कि मिल रहा है कि कुछ एक्शन शुरू हो रहा है नया। आपके पेंटाकल आए हैं तो आप जमीन का ही कीजिए। अब ये देखो 4 ऑफ पेंटाकल आया यहाँ पर भी, और ये 4 नंबर कहना की अर्थ एलिमेंट को दिखाता है, प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा एक्शन लेकर आ, ऐसा नहीं कि बैठ गया है, मतलब थोड़ी नहीं सर कर रहा हूं, लेकर मैं कल जा रहा हूँ, आज भी किया। राहु का भी कार्ड माना जाता है, राहु का भी कार्ड माना जाता है, तो आप थोड़े राहु की जैसे रेमेडी वगैरह होती है ना वो कीजिए जरूर। जैसे अच्छा। रेलवे स्टेशन वगैरह पे वो जो बैठे होते हैं ना, मतलब भिकारी वगैरह, yes, बैगर्स होते हैं, yes, तो उनको जाके आप जरूर कुछ खिला के आइए, उससे आपके राहु की ये सबसे अच्छी रेमेडी मानी जाती है। अच्छा, राहु के लिए की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, राहु की प्रॉब्लम। और घर में जैसे बाल वगैरह बिखरे नहीं होने चाहिए, जैसे बिखरे होते हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए, इससे भी राहु खराब होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप रोज शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं ना, तो आपके सारे ही ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मैं चढ़ाता हूँ मैम घर में, ठीक है, जो बता दिया इतना कर ले, तेरा काम बन जाएगा। नंबर 1 10 का मतलब नंबर 1, आप निडर होके आगे बढ़िए एकदम। चलो बहुत बढ़िया, चलो इतनी सारी क्वेश्चन होगी तेरी, देख ले आज, ठीक है। थैंक यू सर, तेरा पहला क्वेश्चन ले ले, यही तेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तेरा नंबर ही नहीं आता था। सही बात है, करेंगे साई बाबा का कार्ड दिया सर। हमारे साथ एक वो थी, क्या नाम था, राखी ने भी शायद पूछना था, मैं पूछ लेता हूँ राखी जी ने भी, क्योंकि उन्होंने बोला सर मेरा नंबर पिछली बार नहीं आया था। राखी जी प्लीज, अगर आपने पूछना है प्लीज, राखी अग्रवाल प्लीज। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं एक्चुअली ना फाइनेंशियली मुझे ना कभी इनसिक्योरिटी कभी फील नहीं हुई, मैं बहुत सालों से वर्किंग हूँ, वर्किंग इन द सेंस मेरा अपना बिजनेस है,
और बहुत सेटिस्फेक्शन हमेशा से रही। ओके। और अभी अभी मेरा काम इम्प्रूव हुआ है, मेरी अर्निंग इम्प्रूव हुई है, लेकिन उसके साथ मेरी सेटिस्फेक्शन कम हुई है। फाइनेंशियली मैं कभी भी इतना इनसिक्योर या फ्यूचर को लेकर के इतना स्ट्रेसफुल नहीं मैंने इससे पहले फील किया। पता नहीं अब कुछ टाइम से क्या चेंज हुआ कि ऑल्दो थिंग्स हैव इम्प्रूव वर्क फ्रंट पे, बट मेंटली एक एक स्ट्रगल वो फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी। अभी देख लेते हैं, मतलब आपको एग्जैक्ट प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि कार्ड से जितना इजी एग्जैक्ट प्रश्न पूछेंगे ना उतना ही इजी हमें हमें इजी रहता है डिकोड करना क्या आंसर। नेक्स्ट वन ईयर, कमिंग वन ईयर के अंदर क्या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन पोजीशन बेटर होगी या ऐसे स्ट्रगल चलता रहेगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत सटीक प्रश्न है, ऐसे सब प्रश्न पूछे प्लीज। इसका रेखा एंड कंचन आप दोनों आंसर देंगे। रेखा मैं प्लीज एक बार अपना नाम बताइए। राखी अग्रवाल। रेखा आपका ना आवाज नहीं आ रही हमें। सर मैं कार्ड ये कार्ड यहाँ अपने टेबल पे निकालूंगी तो मैं कैमरा डाउन कर रही हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप कार्ड निकाल कर दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप निकाल लो कार्ड, कार्ड निकाल कर दिखा देना एक बार। ठीक है सर। मैं बताना चाहूंगी कि आपका ना पहले मतलब इस तरह से रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसे की कोई कमी नहीं रही है, ये जो होता है ना कार्ड बेस का ये दिखाता है कि कोई पैसों की कमी नहीं रही है, सब कुछ रहा है। और चैरियट कार्ड आया मतलब नेम फेम में भी ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी अच्छा रहा है, बैलेंस बना रहा है आपका। हाँ जी। और ये है लवर्स कार्ड, ये भी कार्ड काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसको देख के मुझे कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मतलब जैसे कोई चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब हर कीमत पे चाहिए वो चीज के बारे में, जिसके बारे में भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, चाहे फाइनेंशियल पोजिशन कुछ भी हो, मतलब ये कार्ड यही क्यों कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में बस गई है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए हर कीमत पे, उसके लिए आपने जो कुछ करना था आप कर चुके हो अपनी तरफ से, सिर्फ आप इंतजार कर रहे हो उसके लिए। अच्छा। हो सकता है ट्रैवलिंग भी करनी पड़ जाए कुछ, तो मुझे यहाँ तक यही दिखाई दे रहा कि आपने जो एफर्ट्स अपने लगाने थे वो लगा चुके हो, आप वेट कर रहे हो, रिजल्ट आने का वेट कर रहे हो। तो रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे आपको मैं निकाल देती हूँ, निकाल देते हैं, लेकिन वैसे मैं बता दूं जो जितने चारों कार्ड निकले हैं सारे ही कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। देखा आपके कार्ड क्या कह रहे हैं। तो मेरे कार्ड्स कह रहे हैं फर्स्ट इनका एट ऑफ कप्स आया है। ओके ठीक है। एंड सेकंड वन इज एस ऑफ बॉन्ड्स। एस ऑफ बॉन्ड्स बहुत बढ़िया कार्ड है ये भी। अभी वादा क्या है कि इस टाइम की सिचुएशन में क्या है कि काम तो ये कर रहे हैं ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो रही है इनके पास सब कुछ होने के बाद भी इन्हें लगता है कि कुछ अभी मिसिंग है। Exactly, yes. क्योंकि यहाँ पर जो एक कप मिसिंग है ना वो इनकी सिचुएशन में दिखा रहा है कि इनके पास देखिए सात कप यहाँ भरे पड़े हैं, आठ कप, एक खाना खाली है। ये कप है जिनको कमी महसूस हो रही है ना। हाँ, ये जो दिमाग में बैठ रही है ना ये वो वाला कप है सर, वो वाला कप है। देखिये यहाँ पर ये तो है कि आपका है बहुत कुछ लेकिन कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए आप फिर निकल पड़े हो, आपको ऐसा लग रहा है करने जा रहे हैं अभी और इनको सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं हुआ है। सुन रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एंड तो आप उस कमी को पूरी करने के लिए सोचते भी हैं और उसको पूरी करने के लिए आप निकल भी पड़ी हैं ठीक है, और भी आपको लगता है कि मैं अकेले भी पड़ गई ये भी आप महसूस कर सकती हैं, बट आपको मैं आपका जो आने वाला फ्यूचर होगा ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग आपका फ्यूचर है। इसमें क्या है कि आप आपके वर्क प्लेस के लिए आपका जो वर्क है जो काम आप करते हैं उसके लिए एक पावर आपको गॉड दे रहा है ठीक है, तो इसको आपको समझने की वो है जरूरत है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं आपने अपने नियर पास्ट में जो भी मेहनत करी है अपने काम को लेकर उसमें आपको 110% आपको सक्सेस मिलने वाला है ठीक है मैं? और मिला भी है। हाँ जी हाँ जी। और इसके अलावा एक चीज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं और बता दूं, आपका जो बेस कार्ड है वो आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स का,
इसमें मैं आपको कहना चाहूंगी, वैसे तो आपने जो भी चीजें डिसाइड करी है अपने में कि आपको करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड किसी और जगह भी डाइवर्ट है थोड़ा, ठीक है? Yes. आप किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि जिस चीज को आपने डिसाइड करा है, जो भी आप काम करते हैं, आपको उस पर ना टोटली फोकस करना है। आपको अपना माइंड इधर से इधर ऐसे नहीं ले जाना है, जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसी पर आपने फोकस करना है, ठीक है? इसके अलावा एक आपको मैं एंजल कार्ड का और दूंगी गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने ही आपका कार्ड निकाला, आपने पूछा था यस है या नो, 100% यस है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। जहां पे आप अटके हुए हो ना, वो काम आपका बनने वाला है। एंड राखी, मैं आपको और बताऊंगी, ये देखिए एंजल्स की तरफ से, एंजल्स सेज की बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, इतने बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं जो आपने शायद अभी तक नहीं सोचे हैं, ठीक है मैम? इसके अगर मैं आपको रेमेडी बताऊं, छोटे से रेमेडी मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आपके घर में पैसा भी आएगा और आपका ना रुकेगा भी पैसा, ठीक है? जैसे आप कि आपको टेंशन है, आप ना 5 बादाम के बादाम लेने हैं छिलके वाले, उनके घी आप अलग कर देना, सिर्फ जो छिलके है उसके अंदर आपने शाही भरनी है, वो आप घर बना लेना जैसे दिए में बनाते हैं, उन 5 बादाम के अंदर वो शाही भर के आपने अपने आपके घर में जो प्लांट लगा होगा उसमें मिट्टी में दबा देने हैं फ्राइडे को, और इंटेंशन डालना है, बोलना है जो भी आप इच्छा चाहते हैं कि भगवान मेरा पैसा बचे और हमारे घर में बरकत हो, फालतू का अगर पैसा जा रहा है तो वो रुक के। मैम अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली 110% आपकी पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि आपको टेंशन है पैसे से रिलेटेड वो आपकी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो वो भीगे हुए बादाम का छिलका निकाल के और उसके साबुत बादाम आता है ना जिसमें बाहर से वो छिलका वाला छिलका होता है, वो छिलका अलग कर लेना आप। उसके बाद बादाम की गिरी तो आप बच्चों को दे देना खाने के लिए, जो भी करना है उस छिलके में शाही भरनी है। अच्छा जी, और फ्राइडे के दिन ही दबाना है उसको प्लांट के अंदर ही, अपने घर पे जो भी बाहर की साइड प्लांट हो उसमें आप दबा देना, इंटेंशन डालना है, मैम आपका काम हो जाएगा। बट बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा है, आगे इस वक्त में आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके मैम, ठीक है राखी जी। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। लेते हैं और कोई ले सकता है? कोई सरिता, सरिता जी ईमानदारी से आप पहले वो लिख सकते हैं जो कल नहीं ले पाए थे हम। सरिता जी प्लीज। हाँ सर, अभी आपकी ईमानदारी है, अपना नाम जब मैं बोलूंगा तब लिखना है। सरिता जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, मेरे को मेरे बेटे के लिए पूछना है सर। हाँ बोलिए। मेरे बेटे की जॉब कब तक लगेगी, उसको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? चलो एक एक करके निकाल लेते हैं पहले। हाँ, सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी है। हाँ। निकालो इनके लिए, कोई भी निकाले सर। हाँ दोनों निकालो, इसमें क्या बात है। ये बच्चे अभी सीख के गए हैं, अभी एक दो महीना भी नहीं हुआ शायद इनको, तो अगर आप भी ऐसा सीखना चाहते हैं। अच्छा प्रेडिक्शन दे रहा है ये, देखिए मतलब ये वाला बेस का कार्ड आया है, ये शो कर रहा है कि अभी वो एक जगह रुके हुए हैं, स्टक हैं, सोच तो रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस करूं, सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में, लेकिन अभी वो स्टक हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है ना, इनका ना शनि शनि की ग्रह चाल कुछ चल रही है, अभी 7:30 ही चालू हुई है, मीन राशि हुई है इसकी। हाँ तो वो ही दिखा रहा है ये कार्ड बेस का, और ये कार्ड, ये पहला कार्ड ये शो कर रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत फास्ट मिल रही है, आ रही है उनके पास अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो पार्टनर्स को लेके कुछ इस तरह से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, कुछ को लेके कि जैसे मैं पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं कुछ इस तरह से। वो एक्चुअली में है ना, ऋषिकेश में हमने ट्राई किया था, पर थोड़े फाइनेंस के वजह से वो हम लोग को बाइंड अप करना पड़ा, तो अभी वो जॉब की तरह ही सोच रहा है ज्यादा। हाँ लेकिन ये देखिए उनकी हालत अभी ये हुई पड़ी है। हाँ एकदम परेशान, बहुत परेशान है, रात को ठीक से नींद नहीं आती बैठी। लेकिन आप इस कार्ड में ये देखिए,
ये जो ये कलरफुल है, ये बेड, ये सब कुछ मतलब वो कर सकते हैं, वो दिमाग से ज्यादा वो प्रेशर ले रहे हैं। अगर वो प्रेशर को छोड़ के पॉजिटिव हो तो वो कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस निकालती हूँ। रेखा, इतनी देर आप बता दीजिए। हाँ जी मैम, आपके बेटे का नाम क्या बताया था आपने? सुभाष, सौरभ, सौरभ चौधरी। सौरभ, तो मैम मेरे पास जो सौरभ के लिए कार्ड्स आए हैं मैं आपको शो कर देती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया मैम मेरे पास में, ठीक है। आपको बताता है कि एक्शन लेना है उन्होंने। अभी अभी क्या है ना कि उन्होंने प्लानिंग करी होगी, ठीक है, जॉब को लेकर भी और बिजनेस को लेकर भी, क्योंकि हमारे पास टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया। ये हमें डिनोट करता है कि इंसान दो तरह की सिचुएशंस में फंसा हुआ है। अब वो जॉब भी हो सकती है और वो बिजनेस भी हो सकता है मैम, ठीक है। तो अभी क्या उन्होंने अभी वो उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड नहीं करा है कि उन्होंने क्या करना है। तो उन्होंने जो प्लानिंग्स करी है, अभी क्या है कि प्लानिंग तो कर ली लेकिन उन्हें उस पर एक्शन लेना है, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि जो अपना काम उन्होंने सोचा है वो आइडिया तो उनका हो, ठीक है, लेकिन जो उनका काम होगा ना वो किसी और से करवाएं, इस तरह का। और ये हो सकता है वो ऐसे जॉब ज्वाइन कर सकते हैं जैसे लीडरशिप टाइप, जैसे कि अभी उनका एक कार्ड बहुत अच्छा आया, मैं आपको बता दूं, सन का, द सन कार्ड। तो आप इसको समझ सकते हैं अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है मैम। किसी भी चीज से आंसर मांगते हो तो ये पॉजिटिवली यस में ही आएगा, ठीक है। अभी इसमें ट्यूशन भी मुझे इतनी अच्छी आ रही है कि ये अपने जिस भी, मुझे ऐसा लगता है कि जॉब बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सन स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे यहाँ पर। अगर ये सूर्य की आराधना करते हैं, जल दे सकते हैं, तो मॉर्निंग में सूरज निकलने के 40 मिनट के अंदर अंदर जल दे दे, या फिर रेमेडी कुछ नहीं करता है वो, करते ना कोई बात नहीं, तो वह ऐसे कर सकते हैं। सुबह जब सूरज निकलता है उसे देख तो सकते हैं, सिर्फ उसका दर्शन कर लेंगे ना वो भी बहुत बेटर होगा। या फिर संडे, संडे होता है इनका दिन, तो उस दिन कुछ मीठा खा ले। नहीं भी करें ना मैडम, कुछ ना रेमेडी ना करे तो काम करना, कॉपर का एक सूर्य लेकर आना, मार्केट से मिल जाता है, नहीं तो मिट्टी का सूर्य लेकर आना, उस बच्चे के ईस्ट वॉल पर एक प्लेस करा देना इसको। मेरे फ्लैट में मैंने रख रखा है सर। कोई बात नहीं, आप लगा देना, लगा रखा है बस। अच्छा भी आया मैम, कितनी ज्यादा खुशियां है इस कार्ड में, हर एक चीज इसमें है, इसमें घर भी है, इसमें खुशियां भी है, इसमें फैमिली भी है, आने वाला फ्यूचर इनके काम से रिलेटेड ये शो कर रहा है कि इस तरह की सक्सेस इनको मिलने जा रही है मैम, ठीक है। थैंक यू। रेखा को कोरिलेट करते हुए मैं आपको बताऊंगी, मैंने एंजल्स कार्ड निकाले हैं। जैसे आप कह रहे हो कि पहले बिजनेस का सोच रहे थे और अब जॉब का सोच रहे हैं, तो इट्स अप टू यू कि उनके ऊपर है, जो भी वो करेंगे वो करें, पूरी रिकवरी मिलेगी उसमें, किसी तरह का लॉस नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। और वो जो रेखा ने कार्ड निकाला बिल्कुल उससे मैच करता हुआ एंजल्स कार्ड निकला है, बिग हैप्पी चेंजेस। बस सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जहां पे ये इतने नेगेटिव हुए हैं ना, ये मन से नेगेटिव है, इतना होने की जरूरत नहीं है, इनको बोलो कि ये पॉजिटिव हो और एक्शन ले, ठीक है मैम। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। सरिता जी थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम जी, वेलकम। तो यही है देखिए बच्चों की स्ट्रेंथ, अब मुझे नहीं पता, मैंने इतना अच्छा नहीं सिखाया इनको, पता नहीं कहाँ से सिखाते हैं, कैसे सीख लेते हैं। आपने ही सिखाया सर। मैंने सिखाया, अच्छा बिल्कुल सर। जब मैं आपके पास पहली बार आई ना सर, मुझे सबने मतलब सब डिमोटिवेट ही कर रहे थे कि नहीं कर पाएगी सर। आप मेरी जिंदगी में पहले इंसान थे कि जिसने कहा था आओ और मैं करवाऊंगा, और सर अब जो कर रहे थे ना डिमोटिवेट, वो मुझसे क्वेश्चन पूछने आते हैं। चलो ये तो हम गारंटी साथ बोलते हैं कि बच्चा अगर हमारे साथ पढ़ने आ गया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो सीख के नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि हर इंसान सीख सकता है, मैं तो कहता हूँ अगर आप प्योर सोल हैं तो आ जाइए सीख जाओगे, कोई इसमें किंतु परंतु है। हमारे साथ जुड़ी है यामिनी, अभी मैंने उनको पिन किया। यामिनी प्लीज अनम्यूट करो अपने आपको। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा सर। मैं यामिनी हूँ, आपके टेरो 25 बेच में मैंने आपसे टेरो ट्रेडिंग सीखी है। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने ये आपकी क्लास जब ज्वाइन करी थी तो मैं इतना ज्यादा डर रही थी, मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी करे थे कि सर मैं सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी, मैं रीडिंग दे सकती कि नहीं दे सकती। अपना माइक अगर आपका वीडियो भी ऑन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब अगर इफ यू कैन। ओके ओके सर, ओके सर।
अभी यामिनी का भी फोन आया, मतलब ये ग्रुप में होंगी, मैंने देखा नहीं, इनका स्पेशल फोन आया कि सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर ठीक है मैं भी आपको ले लेता हूँ। जी सर, सर मैं इतना ज्यादा डरी हुई थी, पर आपने कहा कि नहीं तुम सीखो, मैं सिखाऊंगा। सर मैं अब मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तो रीडिंग कहाँ से दे रही हूँ, जबकि मेरे को लास्ट मंथ की बात है, और आई कांट बिलीव, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही कि मैं रीडिंग कैसे आती है और मैं कैसे दे रही हूँ, और सब जने ऐसे बोलते हैं कि अरे वाह आपकी रीडिंग तो एक्यूरेट है। सर मैं बहुत खुश हूँ, और सर एक बात और बोलना चाहती हूँ सर, कि अभी मेरा किसी के थ्रू यूएस से ऑफर आया है ये टैरोट रीडिंग के लिए। अच्छा, तो जी सर, सर सब आपके आशीर्वाद है, आप जैसे मेरे को गुरु मिले, थैंक यू सर सो मच। तो सर मैं जानना चाह रही थी कि वो जो ऑफर मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो भाई कार्ड से पूछो। आप अपना नाम बताइए। यामिनी चौहान। यामिनी चौहान, ये हमारे दो महीने पहले हुए हैं पैच खत्म आपका ना, दो महीने पहले। लास्ट मंथ ही खत्म हुआ है। ओके जी सर, कह रहे हैं कि रीडिंग की अच्छी जा रही है, बहुत बढ़िया, गुड। सर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। पर सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, और मैं अभी आपसे रेकी का कोर्स भी करना चाह रही हूँ, तो आप जब भी स्टार्ट होएगा वो। नहीं बिल्कुल, इसी महीने आएगा रेकी, अभी दो दिन का हमारा रेकी का आएगा। सर मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ जी जब ऊपर आया कि मतलब इतना, बहुत खुश हूँ मैं सर। आप तरक्की की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे शुरू हो गई है तरक्की, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट है जो मन में लेके बैठे हो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, या डर है आपका, ये वाला डर दिख गया वहां पर। ठीक बात है, तो सजा ले, क्रिएटिव माइंड करो कि यू कैन, आप कर सकते हो, पहले वो निकाल दो कि भाई यूएसए क्लाइंट ये वो मैं कर पाऊँ, आप कर सकते हो, दिमाग से निकाल। अभी तक आप इस तरह से महसूस कर रहे थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, मतलब मैं खत्म हो चुकी हूँ, इस तरह का महसूस कर रहे थे अभी आप जी, और ये सर के पास आपने सीखा है, मतलब सीख लिया है सब कुछ, आपने अपनी तरफ से जो करना था वो आप कर चुके हो, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रगल आ सकती है, थोड़ी बहुत, वो मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस निकाल दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी बहुत आ सकती है। इसी ये 5 नंबर का है, तो ये बुध का है, तो आपको थोड़ा जैसे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, मुझे ये इंट्यूशन हो रही है आपको गणेश जी की पूजा करेंगे तो ये जो स्ट्रगल आ रही है ना वो हट जाएगी, जैसे दुर्वा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए बुधवार को, आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये है आपका लास्ट का कार्ड, जो आप चाह रहे हो जाएगा। हाँ मैं ये कंफ्यूज थी कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, बस ये देखिए, एक्सेप्टेंस हो रही है, देखिए टू कब पिक हो रहा है, वहां से ऑफर आया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो ऑफर खुद चल के आई है, ऑफर खुद चल के, देखिए मेल का पैर आगे की तरफ है, आप स्टिल खड़े हो। जी सर, हां खड़े हैं, मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस निकालती हूं। बहुत बढ़िया, आप मैम इस उसको ऑफर को आपने एक्सेप्ट करना है। आपका ये कार्ड आया देखिए, द एम्प्रेस का जी, आपने जो भी मेहनत करी है ना अभी तक, जो भी सीखा सब कुछ आपके काम आने वाला है, सब कुछ। सर को इस सारा क्रेडिट मैं तो सर को देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तो सब कहते हैं सभी में हनुमान था, मैंने तो बताया कि आप हनुमान हो, उड़ सकते हो, आप यहाँ पे थे, आप यहाँ पे थे, सर ने आपको यहाँ पहुँचाया। जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मैडम। और मैम जैसे कि ये जुपिटर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी गुरु ने आपको शिक्षा दीक्षा दी है ना मैम, आपको उसका सदैव सम्मान करना है, अपने गुरु को हमेशा आपने ऊपर रखना है, अपने से आगे रखना है, कुछ भी आप काम करेंगी तो नागेश सर का नाम आपने जरूर, मेरा नहीं लेना भाई, उस परम पिता का लेना है, श्री कृष्णा का लेना है। सर के आशीर्वाद से देखो टेरो ट्रेडर तो मैं बन गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद ने मैंने रीडिंग नहीं करी, मैं चाहती थी कि है ना सर मुझे बताया कि मैं इसे एक्सेप्ट ऑफर को लूं कि नहीं लूं, इसलिए मैंने सर से पूछा, जबकि मैं खुद टेरो ट्रेडर बन गई हूँ सर के आशीर्वाद से, उन्होंने जो पढ़ाया, पर फिर भी मैं सर से पूछना चाह रही थी। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया बनी है, देखिए बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके, बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं। थैंक यू सर, आपकी ब्लेसिंग हमेशा बना के रखना सर। नहीं नहीं बिल्कुल बनी अपने को बचा लोगे मैम। जी जी ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा लेकिन आप अपने को सेव कर लोगे यहाँ पर। और आपके ये एंजल्स कार्ड भी ये आ रहे हैं कि डोंट स्टॉप, आपने रुकना नहीं है, जो नेगेटिव थॉट मन में आ रही है उसको नहीं लाना है। दूसरा अनलाइकली आ रहा है,
हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि आपको लगे मैं कर पाऊंगी या नहीं, जैसे बाहर की बात है तो थोड़ा पेपर वर्क हो जाता है या कुछ थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपने उसको हटा के चलना है और आपके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग चल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, हमारी तरफ से डिवाइन आपको कॉन्ग्रेट्स कह रही है, इससे बढ़िया बात क्या होगी। सर आपका भी आशीर्वाद चाहिए, भगवान का तो है ही पर आपका जरूर मिल जाएगा। मेरे ऊपर श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, सभी स्टूडेंट को अपना भी कैरियर फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू यामिनी, थैंक यू। तो देखिए बच्चे अभी कोई एक महीना पहले पढ़कर गया है, कोई दो महीने पहले पढ़कर गया है, तो अच्छा कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। निशु आप कहाँ चले गए? निशु सर मैं हूँ सर। अच्छा मेरे भी कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अच्छा आप नजर नहीं आ रहे थे ना इसलिए मैंने पूछा। चलो कोई बात नहीं, आगे लेते हैं। सुरभि जिंदल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सुरभि हरे कृष्णा सर। कैसे कृष्णा जी, कैसे कृष्णा सर। मेरे दो क्वेश्चन हैं, अगर आप दोनों दे लोगे तो। मैडम सर पहला है, चलो पूछो। पहला क्वेश्चन है, मेरी बेटी है सर, उसने ना मेडिकल स्कूल में अप्लाई किया हुआ है जो क्लासेस 2022 में शुरू होगी, बट उसका वेटिंग लिस्ट में नाम है चार जगह, तो बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या चांसेस हैं उसके एडमिशन के। ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जो चार चार वेटिंग चल रही है? नाम क्या नहीं होगा? जैसे उसका नाम है तान्या जिंदल। मतलब वो कोचिंग करना चाह रही है या क्या है? कोचिंग के लिए? नहीं एडमिशन। अच्छा एडमिशन मतलब मेडिकल में बच्ची एडमिशन लेना चाहती है, वेटिंग लिस्ट में नाम है जी, जैसे एमडी करने के लिए यहां। अच्छा एमडी के लिए। मैं यूएस में हूँ सर। अच्छा। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिस्टम रहता है। ओके। तो उसका नाम है तान्या जिंदल। तान्या जिंदल जी ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनका कॉलेज में 2022-23 में एडमिशन हो जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट आया, पूरी पूरी उम्मीद है होने की। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आया, वैसे भी तीन नंबर जुपिटर इज जीव, जीव मतलब मेडिकल साइंस। ओके यहाँ सेलिब्रेशन वैसे हो रहा है तो चांसेस तो ब्राइट लगते हैं मैम, बिल्कुल लग रहे हैं कार्ड के हिसाब से। ओके कि जो वेटिंग लिस्ट है वो नाम आ जाएगा। करना पड़े तो आप कर सकते हो क्योंकि बेस कार्ड ये आया, किसी से बात वगैरह करके आप कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हो। यहाँ भी तीन का कार्ड आ गया, वहाँ थ्री ऑफ कप का कार्ड था, यहाँ थ्री ऑफ पेंटाकल का कार्ड निकल कर आया, दोनों तीन तीन नंबर के कार्ड निकल कर आए। कार्ड बहुत बढ़िया है सर इनका। हाँ सिक्स ऑफ पेंटाकल भी आया, पेंटाकल भी आ गया। चलो ठीक है, यह भी गुरु आ गया और नाइन ऑफ कप आ गया। ठीक कार सारे अच्छे हैं, वो वेट कर रहा है ना पीछे, नाइन ऑफ कप वाला वो वेट कर रहा है, लेकिन मिल गया समझ लो, मिल जाएगा। सर कुछ टाइम पीरियड बता सकते हैं? मतलब अभी हमने यही पूछा था जो 22-23 के लिए आपने जो पूछा ना, हमने यही कार से पूछा था। ओके मतलब ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा? अब वो ऐसा छोड़ दो कोई बात नहीं, इतना कार्ड पॉजिटिव बता रहे हैं सारे, दोनों तरफ पॉजिटिव आए हैं और जल्दी होने की उम्मीद है। अब आप मैनिफेस्ट कीजिए क्योंकि मैनिफेस्टेशन से बहुत काम बनते हैं। ओके मैम थैंक यू। एंड मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं ओकल्ट वर्ल्ड में कैसा करूंगी? अपना नाम बताइए आप। सुरभि जिंदल। मैम डीओबी क्या है आपका? फरवरी 22nd 1978। मैम इतने सारे वैसे टूटू लेके बैठे हो आप, और वैसे भी आपके पास मास्टर नंबर है 22। हां जी सर, अगर आपके पास मास्टर नंबर होता है ना 11 और 22 तो कुछ नहीं जरूरत नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। और ये दो नंबर स्पिरिचुअलिटी के नंबर हैं, 11 और 22, 11 और 22 नंबर। जजमेंट होने वाला है आपके साथ, जो आप भगवान से प्रे कर रहे थे ना, जो आप भगवान से बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, वो प्रे आप समझ भगवान ने कबूल कर लिया आपकी, तो आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। वैसे भी एंजल आ गई कार्ड में, जब भी कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वहां पर या तो खुद की डेट ऑफ बर्थ उसकी स्पिरिचुअलिटी वाली हो या कार्ड में कोई एंजल नजर आ जाए तो डेफिनेटली वो काम होता ही होता है। मैम आप आगे बढ़िए। अब देखो निशु ने निकाला है कि मैडम आप स्टक हो बिना, मतलब है ना, आप नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड लेके बैठे हो, आप में वो जज्बा है करने का लेकिन आप स्टक हो, मतलब सोच रहे हो, मूवमेंट नहीं आ रही आगे। मैम आगे दो राहें पे अटक जाती है।
हाँ दोहराए पर भी अटक जाती हैं, वो भी आ रहा टू ऑफ पेंटाकल्स। एक्चुअली क्या हो रहा है सर, कुछ दिनों से मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब रोज सो के उठती हूँ कि मेडिटेशन करनी है और वो पता नहीं क्या चीज रोक रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी मेडिटेशन बताता हूँ। नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ जी नींद तो अच्छी आ जाती है। बस मैडम वो मेडिटेशन स्टेट ही है। आपने क्या करना है, छोड़ो लोगों ये पता ही नहीं कि मेडिटेशन के कितने सारे रूप होते हैं। आप सिंपल ये करना शुरू करो, शाम रात को जब सोते हैं ना उस वक्त में कोई मंत्र चैंट करना शुरू कीजिए डिवाइन से, लो लगाकर फिर सोने सो जाइए आप। सर मैं एंजेलिक म्यूजिक सुनती हूँ। बस ठीक है, आपको समझिए जब आप सो रहे हो ना उस म्यूजिक को सुनते हुए या डिवाइन को याद करते हुए, वो आपकी मेडिटेशन स्टेट ही है। ठीक है सर, वो मेडिटेशन ही है आपकी। इमोशनल हो जाती है आप। हाँ जी इमोशनल तो बस उसको इमोशन को कंट्रोल करो और आगे बढ़ो बस। एक्चुअली चलो ठीक है, ठीक होगा। लीजिए पूनम जी, पूनम डिंगरा जी, हाँ जी बोलो पूनम जी बोलिए। सपना जैन सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरे को पूछना था मेरी परेशानी कब तक दूर होंगी। अच्छा। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा परेशान क्यों रहती हूँ? चारों तरफ से परेशानी ही परेशानी है मेरे पास। कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहले बात समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल भी है, उसका सोल्यूशन भी है। बिना प्रॉब्लम, बिना सोल्यूशन के कोई प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होती। सर समझ में नहीं आता मैं तो। मैडम समझ में आपको आता तो ये बेचारे बैठे कथन ये क्या करते थे। ये आपका बेस का कार्ड आया कि जैसे आपका ना टाइम अप चेंज हो रहा है पूरी, मतलब जो जैसा भी साइकिल था ना आपका फॉर्चून का बिल्कुल टोटली चेंज हो रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं आपके। अभी तक आप ऐसे हो। सिर्फ नुकसान ही दिखाई दे रहा है जो पीछे आपके कप्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या जो है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर ये दो कप्स उठा के आप ये ब्रिज से आगे जाते हो तो ये देखिए यहाँ पे घर है, सब कुछ मिलेगा। कहने का मतलब कंचन ये है इनका, ये हमेशा नेगेटिव साइड को देखती है, पॉजिटिव साइड को देखती नहीं है। ऐसा नहीं कुछ पॉजिटिव नहीं है इनके पास। जी सर। और सर कैसे धोखे मिले हुए हैं, धोखे सर, धोखे पे धोखे, मेरे अपनों ने मुझे छुरे मारे हैं, बताओ मैं कैसे क्या करूं सर, कि मतलब मेरे अपने बन के मुझे इतना धोखा दिया है ना कि मैं चारों तरफ से इतनी परेशान हो चुकी हूं कि पूछो नहीं। मैं सर मैम टेंशन मत लीजिए, आपको एंजल्स की गाइडेंस भी देंगे। अभी आपकी ये सिचुएशन आ रही है, अभी जैसे ना मतलब जितने दुख देखने थे आप देख चुके हो, अब आपको नेम फेम सब मिलने वाला है। थैंक यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव को देखना शुरू करो। कैसे आप बताओ सर, आपने उस दिन भाग्य बदलने वाला, देखिए पहले कार्ड का वीलो फॉर्चून का निकल गया है, आप ये बदलने वाला कार्ड, अब अपने दिमाग में ये कार्ड बैठा लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप ये दिमाग में बैठाएंगे ना तो आपकी ये चीज पहले बाहर निकलेगी। ठीक है तो आप इस पोजीशन में आएंगे। आपने नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, अब बस आपने यूनिवर्स को हर चीज के लिए थैंक्स बोलिए। किसी ने आपको धोखा दिया है ना, अगर धोखा दिया तभी आप इस पोजीशन में जा पाएंगे। अगर किसी ने नहीं धोखा दिया होता ना तो आप आगे नहीं बढ़ते। वो जिसने आपको धोखा दिया उसको थैंक्स बोलिए, मन से उसको अन्याय तो हुआ है पर आप चिंता मत करिए, अब भगवान की। निशु जी आप अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं अनम्यूट हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, अब आ रही है आवाज, पहले आवाज नहीं आ रही थी। देखिए मेरा पहला कार्ड है, ये इनके साथ अन्याय तो हुआ है पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके लिए भगवान की तरफ से बिगुल बज चुका है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी खुशी वाला है, सारी खुशियां आने वाली है, बहुत तेज चल रही है। कार्ड तीनों के कार्ड कनेक्टेड हैं, मतलब जो परेशानी है वो दिखाई दे रही है, आगे का फ्यूचर सभी कार्ड में अच्छा नजर आ रहा है। दो दो मेजर कार्ड हैं, जजमेंट एंड जस्टिस। हाँ आप ये देखिए, आपकी जिंदगी में जो आपको धोखे मिले थे ना अब आपको प्यार मिलेगा।
रोमांस का कार्ड है, उसके बाद हेल्पफुल पीपल मिलेंगे। अब आप सर से कनेक्ट हो गए हो ना, आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे। अब आपको डरने की या टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। उसका टाइम था वो निकल चुका है, बस अब व्हील ऑफ फॉर्चून का दिमाग में रखिए। ठीक है एक मिनट, रेखा जी, रेखा जी बोल रहे हैं, रेखा जी प्लीज। अधूरी इच्छा होगी ना, कोई अधूरी इच्छा एक तो आप जा रही है मैम, देखो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप सबके सामने ना बिल्कुल प्योर हो, ठीक है कि आप बात हो, लेकिन क्या है आपके साथ में ना ऐसा हो रहा है, आप अपने को कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे हो सकता है जेलस फील करते हो, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या आपके क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं मैम, ठीक है। तो ये चारों तरफ ही ऐसे है। यस मैम, थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है, आगे फ्यूचर में आपके पास ना हर वो चीज होगी जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। एनो पेंटागल आ गया, बहुत बढ़िया कार्ड है ये। हाँ जी, और जैसे कि पैसे से रिलेटेड भी आपको मुझे नहीं लगता कि आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली है मैम, ठीक है। सर इनके लिए और पूछना था, हस्बैंड के लिए सर, वो मतलब 11 साल से बिस्तर पे है, उनका कुछ दिखता है मेडिकली? आपका नाम बताइए। मेडिकल में उनको बोल दिया है कि मतलब माइंड श्रिंक हो गया आगे पीछे से, वो अपने मतलब मेंटल खो चुके हैं, मेंटल ही नहीं है वो, मतलब तो उनको तो होश ही नहीं अपना तो कुछ भी। मैम नाम बताइए उनका। उनका नाम कुनवर दिगराज सिंह जैन। कुनवर दिगराज, दिगराज सिंह जैन कर लीजिए, दिगराज। थोड़ा सा मैम इन सर के लिए ना आपको डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है जो डॉक्टर आपने अभी वो करा हुआ है मतलब वो आपको चेंज करना पड़े या कंसल्ट करना पड़े कहीं और, थोड़ा सा पैसा आपका उसमें लग सकता है, लेकिन आपको ये रिजल्ट मिलेगा मैम बाद में, ठीक है। रिजल्ट्स आपके बहुत पॉजिटिव रहेंगे आगे आके, मुझे ऐसा लगता है आपको सर के सिरहाने पर ना रत्ती के बीज रखने चाहिए, और रत्ती के बीज आते हैं मैम नेट पे आप चेक कर लीजिएगा, रत्ती के, अच्छा ये उनके सिराने रखने एक मुट्ठी मैम, और ये किसी और के सिराने के नीचे, किसी और के नीचे नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और महीने महीने में आप चाहे तो इनको चेंज कर सकते हैं, इनको बाहर कहीं ऐसी जगह छोड़ना जो किसी के पैरों में ना आए, ठीक है। ठीक है, उनकी बंदी भी होगी वो हट जाएगी मैम, उसका मतलब क्या आवाज नहीं है? हाँ आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि मैम ये जो बीज आप रखेंगे ना रत्ती के, उनकी बीमारी अभी तक बंधी हुई है ना उनके साथ में, वो धीरे धीरे हटने लगेगी मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है। कब से शुरू करूं मैम? आप कभी वैसे शुक्ल पक्ष से आप कोई भी उपाय करते हैं शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। नहीं डे डे शुक्ल पक्ष चल रहा है, डे 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 कोई भी किसी भी दिन कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को कर लो, फ्राइडे को कर लो, आप वैसे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप सैटरडे भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं पास्ट लाइफ के जिनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो जो शनि है वो मैम न्यायाधीश है, ठीक है, तो वो भी दंड देते हैं अपना, है ना, तो ये तो पिछला कर्म होता है मैम भुगतना पड़ता है, तो उस वजह से आप मुझे लगता है कि सैटरडे को आपको रखने चाहिए। अच्छा सैटरडे को उनके सिराने रख दूं मैं ये? हाँ जी मैम, उसके मतलब तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे जहाँ वो सोते हैं। मैम मेरे पास कार्ड आए हैं ना वो इस तरह के कार्ड आए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ट्रीटमेंट इनकी क्या कराई जाए और कैसे कराई जाए, आप जितना कर सकते थे आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा है और कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, इल्यूजन में रहे ऐसे करें कि वैसे करें, लेकिन पहले जो था वो था, अब वो रिकवरी की तरफ आ रहे हैं, जो ये हैंड है ना ये ऊपर की तरफ है, तो ये अब रिकवरी की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने एंजल्स के भी कार्ड निकाले हैं, तो उसमें ये आ रहा है नो नीड टू वरी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे, आपको अपने लिए भी हेल्पफुल लोग मिलेंगे और शायद वही लोग उस चीज में भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। रोमांस का आ रहा है, आप थोड़ा मतलब प्यार मोहब्बत से उनको पॉजिटिव वाइब्स दीजिए कि सब ठीक हो जाएगा, मैंने कार्ड्स निकलवाए हैं, सब अच्छा हो रहा है, सब मतलब इस तरह की पॉजिटिव वाइब दीजिए, उसके बाद बिग हैप्पी चेंजेस नजर आ रहे हैं।
तो मेरे को जो आपने बताया ना हेल्पफुल मैन मिलेंगे तो कहीं बाहर से मिलेंगे, क्योंकि मेरे तो बच्चे में सब कुछ साथ छोड़ चुके हैं, हर परिवार का सदस्य मेरा साथ छोड़ चुका है, मेरा आजकल अपना परिवार कोई भी हेल्प नहीं। नहीं करता है, आजकल परिवार हेल्प नहीं करता, आप एक यूनिवर्स भी से बंदा प्रे मेरा परिवार का कोई नहीं है मेरे साथ। यूनिवर्स यूनिवर्स से प्रे कीजिए, शिव जी को अपना शिव जी को मानिए। से, हाँ यूनिवर्स से तो हर बार प्रे रहती है मेरी, हाँ, चौबीस तो घंटे वही ही प्रे भेजेंगे, रहती वही है भेजेंगे आपके लिए। उनके से, तो प्रेयर रहती है। थैंक उनको लेके निकलिए या बाहर निकलिए इस चीज से, थैंक यू सर, कृपया दृष्टि सर मेरे लिए, सर ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। आप भी ब्लेसिंग दो। थैंक यू जी। नहीं, मेरी ब्लेसिंग आ रही है, बच्चे जो ब्लेसिंग दे रहे हैं श्री कृष्णा की ब्लेसिंग ही है इनके ऊपर, वहीं से आ रही रीडिंग। वो देखिए तो मैं है, बोलूं ये बोले देव श्री हाँ कृष्णा है ना, जो बच्चे ये कह तो रहे हैं सही है। बिल्कुल समझे श्री कृष्णा के रूप में ये बच्चे। जी सर, जी सर, जी डेफिनेटली आप सर, अच्छा करिए, डेफिनेटली रिकवरी होगी, वॉन्स देखिए आगे उसमें फूल पत्ती निकली हुई है, रिकवरी हो जाएगी। आप वर्क करिए, पहले आप इस पोजीशन में हैं, इससे आप बाहर निकलिए, आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, आपका सब अच्छा होगा। देखिए नया फ्यूचर है, पीछे सन है, आपके लाइफ में ब्राइटनेस है, आएगी। पहले आप इस पोजीशन से निकल आइए, आपका सब कुछ अच्छा होगा इससे। ठीक है ठीक है ठीक है सब ठीक। पॉजिटिव हो जाइए मैम, आपका सब अच्छा होगा, बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए। चलो आगे अनुभव राय जी। अनुभव जी, अनुभव जी, सारी हाँ जी, करनी आप बोलिए अनुभव जी, आवाज आ रही है आपकी। मेरा लाइफ का सर पर्पस क्या है, ऐसा आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? जी क्या बहुत बढ़िया, निकालो हेलो। हाँ अभी आप बहुत सैड रहते हैं क्या, मतलब लोगों की तरफ से भी, मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा महसूस होता है क्या आपको? अच्छा, हाँ थोड़ा बहुत। हाँ मतलब अभी द मून का कार्ड निकला है तो मून इज नॉट स्टेबल, मेंटल लेवल पर कुछ चीज चल रही है बहुत भयानक आपके, है ना, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चल रही है अभी। पॉजिटिव चल रही है, और ये सेलिब्रेशन है आपकी जिंदगी में, सेलिब्रेशन है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इल्यूजन में फंस जाते हो। आपको चार चीजें नजर आती है, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि उसमें से मैं क्या करूं। थोड़ी हाँ ये हो जाता है। स्ट्रगलिंग भी चल रही है आपकी लाइफ में, सर आप और आप अपनी बात वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और कुछ नई चीज है जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे हो, उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ ये नया सोच रहे हो आप, जिसके लिए आपको चाह रहा हूँ मैं सर की क्लास में आऊंगा, अभी कल ज्वाइन किया है। बस फिर जी तो आप लास्ट लास्ट कार्ड कंचन ने जो निकाला है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। बिल्कुल सर, आपका लाइफ का बेस इनका, बेस इनका ये आया है, अच्छा उनको हील करना है आपने, अच्छा है। रेखा जी ने कार्ड निकाले हैं इनके, आपने उनको हेल्प करनी है आपने। अब देखिए रेखा जी ने आपका पर्पस निकाल दिया कि आपने ऐसे लोगों को हील करना है जो दिल से दुखी हैं, दिल से जिनके दिल में तलवारें डली हुई हैं, उन लोगों को हील करना है आपने। उनको हम नॉलेज दे सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको रास्ता आप दिखा सकते हैं, आप में वो एबिलिटी है उन लोगों को रास्ता दिखाने की। तो आपका लाइफ का पर्पस यही है कि आपने उन लोगों को हील करना है, उनकी हेल्प करनी है, जो भी जिनके लिए आपके अंदर से इंट्यूशन आ जाए एक बार कि ये इसको जरूरत है हेल्प की, तो उसकी आपने मदद करनी, ये आपका लाइफ का पर्पस है सर। हील करना ही आपका लाइफ पर्पस है, इसीलिए आप यहाँ तक आज टैरो के पास पहुंचे हैं। देखिए डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ चुकी है, आप अच्छा कर। एंजल कार्ड ये बता रहे हैं कि आप जिनसे नाराज है ना, कुंठा लेके बैठे हैं मन में, पहले तो आपको उनको माफ करना पड़ेगा। जब आप माफ कर देंगे तो जो भी क्वेश्चंस हैं, मेडिटेशन से आपके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो आपको मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी। और मेरा एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ? अपनी बातें क्लास में पूछ ली यार, क्लास में जी जी सर, और बच्चे हम चाह रहे हैं जो टाइम है और वो काम ले सकें, जी जी है ना सर। क्या अपनी बातें छुपा के रखते हैं क्या?
अपने तक रखते हैं उससे सर। हाँ वही होगा। कार्ड है आप एकदम बातें छुपा के रखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सोच चलती रहती है आपके अंदर, थोड़ा अपनी बात ओपन करिए। चलो हमारे साथ अब दिव्या जी हैं। दिव्या दिव्या जी अनम्यूट करो। रेणु शर्मा नमस्कार सर। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था मैरिज के लिए कि मैरिज मेरे इस साल होगी या नेक्स्ट ईयर होगी या उसके 2023 के बाद। मैम जो भी बता दो आप अपना। क्या क्या होता है ना, हमने बताया था ना ये रीडिंग एक साल की दे दी जाती है। अच्छा इस साल की है। हाँ तो इसी साल एक साल के लिए हम दे सकते हैं, ठीक है, लेनी चाहिए भी एक साल। अच्छा मतलब नेक्स्ट 2023 तक हम दे सकते हैं कि भाई 22 और 23 तक क्या है मतलब जून जून तक ना। हाँ ठीक है जून तक ठीक है। बताइए मैम आप अपने रेनू मैम डीओ भी बताएंगे एक बार। आई एम 5 4 हाँ जी 4 1 9 8 1 5 4 1 9 8 4 8 1 8 1 ओके मैम। आपका ये कार्ड निकला है, तैयारी तो हुई पड़ी है, सिर्फ बैलेंस बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा इसमें ये क्वालिटी नहीं है ये उसमें वो क्वालिटी नहीं, थोड़ा इस तरह का हो सकता है। हाँ जी हाँ इनको चैरिट चाहिए मतलब हर चीज परफेक्ट चाहिए और बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, इस वजह से थोड़ा इनको डिले हो रहा है, अदरवाइज सारी तैयारी हुई पड़ी है। ये देखिए बेस का कार्ड ये निकला आपका हैप्पी फैमिली। ओके थैंक यू जी मैम, आपका रिश्ता आने वाला है आपकी तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल ओके और एक ही कार्ड आपके रिश्ते वाले आए हैं। हाँ जी आप उस पे अपना ध्यान केंद्रित रखिए। ओके एकदम बिल्कुल आपका शादी के लिए दो हमारे कंसलर ने कार्ड निकाले हैं, दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तैयारी कर लीजिए कि डीओबी से सर इनकी डीओबी में आ रहा है कि जो इनके शादी का रिश्ता है सर जून में इनकी शादी के लिए बात हो सकती है, रिश्ता आ सकता है इनका। इसके अलावा 2022 में ही सितंबर का मंथ आपका ऐसा रहेगा मैम, इसमें आपके चांसेस है शादी या तो आपका रिश्ता की बात चलेगी या रिश्ता आएगा, हो मे बी पॉसिबल होगा तो शादी आपका पक्का हो जाएगा। अच्छा मतलब ये 2023 तक हो जाएगा। ये तो 22 में कह रहे हैं मैडम कि चांसेस बन रहे हैं 22 में भी। हाँ जी और वैसे आपका ये जो साल चल रहा है ना मैम, इस साल में पॉसिबिलिटी है शादी तो हो ही जाएगी क्योंकि अभी क्या है ना कि आपका फैमिली वाला ईयर चल रहा है, पूरा आपका फोकस जो आपकी फैमिली पर जैसे फैमिली पर रहता है, तो इस अगर इस ईयर पे आप शादी करते तो बहुत सक्सेसफुल भी आपको रहेगी इस साल। और इससे शादी होगी ना वो भी बहुत अच्छे होंगे, मतलब कि नेम फेम और उनकी खुद की मेहनत होगी पीछे, मैं ऐसा नहीं कि फादर की प्रॉपर्टी मिल गई या जो होंगे ना वो खुद ही बहुत मेहनत होंगे। ठीक है जी। सर एक चीज थी टैरेट कार्ड मैं सीखना चाहती थी लेकिन थोड़ा सा ना भी कल का मुझे मुश्किल लग रहा था, तो ये आपका नेक्स्ट कब होगा? देखिए हर 15-20 दिन में हमारे नए कोर्स लॉन्च होते हैं टैरो न्यूमरोलॉजी के। ओके ये सेम ऑफर रहेगी आपकी नेक्स्ट में भी जो एस्ट्रोलॉजी के भी है? हाँ वो सेम ऑफर रहेगी, मतलब नेक्स्ट मंथ आएगा आपका। नेक्स्ट मंथ आएगा। और क्या है कि मान ले कुछ लोग होते हैं ना कि भाई अभी हम 2 दिन ही क्लास कर पाएंगे या ये 20 क्लास में से 3-4 क्लास मिस हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है, ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग देखकर नहीं कर सकते, आपको एक आध क्लास मिस भी हो जाती है तो कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा फर्क पड़ता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको मैसेज या कॉन्टेक्ट कर लूंगी, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। देखिए आप भी अगर इन बच्चों जैसा सीखना चाहते हैं ओके तो आप भी सीख सकते हैं, ये भी बच्चे ऐसे ही थे इनको बोलना नहीं आता था, पहले भी क्लास में आते थे सर हमें आ जाएगा हम सीख लेंगे, यही क्वेश्चन होते थे ना आप सभी के। जी सर हम यही पूछते थे आपसे सर होगा नहीं होगा, मैंने कहा सारे सीख के जाते हैं आप भी सीख के जाओ, थोड़ी मेहनत आप कर लीजिए, किसी काम के लिए जाती हूँ तो पहले मैं आपका फोटो देखती हूँ मैं तभी काम करती हूँ सर। चलो श्री कृष्णा की लगा लेना ठीक है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, आपने अभी कुछ हाँ सर
हाँ जी, आपने अभी 22nd कुछ बताया, 22nd पीपल, 22nd ये बता दो मैंने, जो 22 डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी किसी महीने की, 20 बर्थ हो 22, तो 22 क्या है, मास्टर नंबर है, 11 एंड 22, किसी का भी बर्थ 11 का हो या 22 का हो, वो ऑलरेडी एक डिवाइन ब्लेसिंग उनके पास रहती है, उनको आध्यात्म में या स्पिरिचुअलिज्म में वो आसानी से आ सकते हैं, और 22 है तो कमर्शियल एंगल भी के लिए भी बहुत अच्छा नंबर है, कमर्शियल एंगल से आपको लाइफ में जरूर कभी ना कभी एक बिग अपॉर्चुनिटी मिली होगी या मिलेगी, मिलती है, अब मर्जी आपकी है कि उसको कैश कर लो या उसको वेस्ट कर लो, चॉइस इज योर्स। ओके सर, बिग अपॉर्चुनिटी तो वही होती है जो हम आपके पास आ जाते हैं ना सर, हमारे लिए वही बिग अपॉर्चुनिटी है। चलो आप अगर ऐसा मानते हैं तो ये आपके बड़प्पन है, क्या होता है इंसान की चॉइस, अगर चीजें मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है ना, ये नहीं है कि हम क्या जिएंगे, हम कैसा जीते हैं ये ज्यादा डिपेंड करता है, हम कैसे जीते हैं, चीजों को कैसे लेते हैं, मिलता तो बहुत कुछ हमें डिवाइन से, लेकिन जो मिलता है उस पर फोकस नहीं है, जो नहीं मिलता उसको रोते रहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था सर, बोलो दिव्या। हाँ सर, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? ये फ्यूचर हम एक ही साल का बताएंगे यहाँ, नाम बताइए अपना, दिव्या, दिव्या कुछ नया होने जा रहा है, कुछ फेज आपका चल रहा था अभी तक वो आपका खत्म होने जा रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी में स्टार्ट होने जा रही है मैम। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी फ्यूचर में कि आपको कोई दुख या दर्द अपनों द्वारा दिया जाए, ठीक है मैम, ये आपके अपने भी हो सकते हैं, ये आपके क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और ये रिलेटिव भी हो सकते हैं मैम, तो ये दर्द ऐसा होगा कि आपको ना अंदर अंदर आप इसमें घुटेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को बोले इस दर्द को। ओके, अलावा फ्यूचर में आप में ना एनर्जी बहुत रहेगी मैम, किसी भी काम को लेकर अपने काम बहुत सीरियस ले रहेंगे, और मतलब कहते ना कि मार्स की मंगल की एनर्जी आपके अंदर इतनी ज्यादा रहेगी मैम कि आपने जैसे अगर आपको कोई टारगेट दिया जाएगा तो आपको टारगेट तोड़ के भी आगे निकल जाओगे, इतनी एनर्जी आप में रहेगी, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैंने टारगेट अचीव भी कर लिया है। बस आपको ध्यान यहाँ पर रखना है कि ना आपको जो डायरेक्शन अपनी चुननी है वो डायरेक्शन आपको सही से चुननी है, उस पर ध्यान देना है आपने। ओके मैम, तो उसमें फैमिली निकाला मैंने, आपका ये निकाला कि आपने कहा फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर ऐसा रहेगा नाइन ऑफ कप्स है, मतलब सब कुछ रहेगा और सब कुछ करके आप आराम से बैठ जाएंगे कि अभी अगर कुछ और भी करना है तो आप कर सकते हैं, मतलब किसी नहीं है, पूरी मेहनत है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा रिजिड हो, थोड़ा सा आपको अपोजिशंस मिल रही हैं, उनको आपने ओवरटेक करना है, तो देखिए डिवाइन आपके लिए एस ऑफ पेंटाकल दे रहा है, आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला, जो आप चाहते हो ना वो सब कुछ मिल रहा है, और ये देखिए लास्ट में हैप्पीनेस, देखिए दोनों के कार्ड में सिमिलरिटी क्या आ रही है कि बीच का जो फेज है ना वो कहना की सेटबैक है कुछ, है ना, चाहे वो अपनों से मिले, क्योंकि दोनों कार्ड बीच के थोड़े से स्ट्रगलिंग आए हैं, लेकिन अभी दिक्कतें चल रही हैं, आगे जाके जो है वो कहीं ना कहीं, अगर एंड की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, किसी चीज में इन्हें जस्टिस नहीं मिला अगर, तो ये भी इनको फ्यूचर में जस्टिस मिलने जा रहा है मैम, सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। आपने ध्यान ये रखना है कि किसी से भी कुछ भी बात आप डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी बिजनेस, घर, फैमिली, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, इसको आपने क्लियर रखना है, बस आपने इस चीज पे फोकस करना है मैम। सॉरी जस्ट से अगेन, फैमिली, रिलेशन, और उसको क्या करना है मुझे? जो भी है आपके रिलेटिव्स हैं या आपके पेरेंट्स हो गए या आपका भाई, अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड कोई भी है, उनसे आप कोई भी बात करते हैं ना तो उसको क्लियर रखना है मैम, एकदम क्लियर तरीके से बोलना है, मुड़ा तुड़ा के गोलमोल नहीं बोलना है, जो है सामने है, इस तरह की सिचुएशन आपने अपनी, दिक्कत परेशानियां चल रही है तो उसका एंड होने वाला है। लो जी, निशु ने भी वही कार्ड निकाले लगभग, उसके बाद आपका नियर फ्यूचर ऐसा होगा, हैप्पी फैमिली। हाँ, इसके लिए आपको कोई भी बात अगर करनी है तो उसको आप एकदम क्लियर कट रखिए, एकदम साफ बोलिए, आपके लिए फ्यूचर में डिवाइन की तरफ से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपका नियर अगर तीनों में बात निष्कर्ष निकाला जाए तो बीच का फेस थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि स्ट्रगलिंग रह सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपके लिए वो बढ़िया ही आ रहा है।
सर एंजल्स का जो कार्ड निकाला है वो भी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आ रहा है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो इनकी स्ट्रगल चल रही है ना वो खत्म हो जाएगी. अच्छा. और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. तो अगर ये मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो इनको अपने आप ही आंसर डिवाइन की तरफ से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. आपकी रंगीन दुनिया वापस आएगी. चलो बढ़िया. कई बार क्या होता है ना कि यस कई बार ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ा सा नजरिया बदल लेना अपना तो बहुत चीजें हमें पॉजिटिव अपने आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है. थोड़ा नजरिया बदल लीजिए. आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए. ओके. सबसे पहले एक बार और अनाउंसमेंट दिखा दें. हो सकता है कुछ लोग नहीं जुड़े हो तो क्वेश्चन आंसर लेते हैं. हमारा ये जो टैरो का बैच है ये कल से शुरू हो रहा है और ये बच्चे जो आपके सामने रीडिंग कर रहे हैं लाइव क्लास लाइव जो सेशन दे रहे हैं आपको प्रेडिक्शन का अभी है. अभी पिछले महीने इनका बैच खत्म हुआ है तो इस तरह की भी चीजें हम कराते हैं कि भी आइए हमारे वेबिनार में आइए प्रैक्टिस कीजिए. फिर ग्रुप में प्रैक्टिस होती रहती है. फिर और कहां पर आपने प्रैक्टिस करनी है वो आपको सिखाया जाता है. तो ये हमारा जो कोर्स है प्रोफेशनल टैरो कोर्स है. मतलब यहाँ पर सीखने के बाद कोई घर पर नहीं बैठता खाली. हर बच्चा कहीं ना कहीं एक टैरो में एक नेम फेम जरूर मिलता है. आप में करने का जज्बा होना चाहिए बस. तो ये हमारा कोर्स है 7999 प्लस 18% जीएसटी. बहुत नॉमिनल कोर्स पर कोर्स रखा गया है. 20 कम से कम लाइव क्लास होने वाली है इसकी. 6:30 पे इसका टाइम रहेगा हमारा. और इसके साथ आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का 2500 रुपए का कोर्स फ्री में दिया जाता है. मतलब ये टैरो आप समझिए जो कंटेंट हम दे रहे हैं ना और जो आपको सपोर्ट करते हैं पीछे सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है देखा जाए तो. और देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैल्यू है. तो ये समझ लीजिए टैरो हम पढ़ा रहे हैं एक सोशल कॉज कर रहा हूं मैं. ठीक है. जितना पेन हम लेते हैं ना टैरो में और सिर्फ यही है मकसद. सिर्फ यही है कि पता नहीं भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है कि बच्चा पढ़ के जाता है आ जाता है फिर कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है. कमर्शियल एंगल अपने अपने आपको स्टैब्लिश कर लेता है तो हमें खुशी मिलती है. इसी चक्कर में इसके रेट मैंने नहीं बढ़ाए और अभी तो इसी रेट में हम कराते रहे. ओके. जब तक एक इंडिशन नहीं आती कि चलो इसको हाई प्राइस पर लेकर आते हैं तो पता नहीं वो कब आए. तो इससे पहले आए तो आप सीख लीजिए सारे. ठीक है. इसके बाद हमारा जो है न्यूमरोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है 15th of June से. इसको भी आप अटेंड कर सकते हैं. इसमें हम आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री में देते हैं और ये अगली 2 दिन बाद से हमारे न्यूमरोलॉजी के वेबिनार शुरू होने हैं. कहीं से भी न्यूमरोलॉजी कीजिएगा हमारा एक बार वेबिनार जरूर अटेंड कर लीजिए. फिर आप डिसाइड खुद कीजिएगा कि मार्केट में क्या पढ़ाया जा रहा है और हम क्या देते हैं आपको. ओके. और ये तो हम हमेशा बोलते हैं एक बार आपने हमसे कोई भी एक कोर्स कर लिया तो फिर आप कहीं जाएंगे ये भी गारंटी है. तो वो इसलिए होता है कि एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है हमारे यहाँ. हम दी बेस्ट जो प्योर एजुकेशन उसको देने में विश्वास रखते हैं. किताबी ज्ञान तो कोई भी दे देगा आपको लेकिन हमारे यहाँ जो एक्सपीरियंस वाला ज्ञान मिलता है ना तो नॉलेज मिलती है. क्योंकि मेरे को इस इंडस्ट्री में 15 साल के आसपास होने वाले हैं. 14 ईयर तो हो गए हैं और 12 साल तो मुझे पढ़ाते हो गए. 2011 से शुरू किया था 2023 आने वाला. और इतनी सारी मोडालिटी को जब यूज कर मैं पढ़ाता हूँ आपको. अब न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाया जाएगा पता नहीं क्या क्या पढ़ा देता हूँ. टैरो के अंदर एस्ट्रोलॉजी टैरो के अंदर न्यूमरोलॉजी टैरो के अंदर वास्तु टैरो के अंदर हीलिंग कैसे आप यूज करेंगे सारी चीज आपको बताई जा रही है. तो आप आकर सीख सकते हैं. इसके बाद हमारा प्रोफेशनल टैरो वास्तु कोर्स लॉन्च हो रहा है. ओके. इसकी 25 क्लास होंगी. इसमें हम आपको एस्ट्रो वास्तु फ्री गिफ्ट दे रहे हैं और ये अगली बार से नहीं आएगा. ठीक है. इस तरह के छोटे छोटे कोर्स रेकी हमारा आ रहा है. एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड ट्रिपल लाइन में आपका कोर्स करा रहे हैं. सिजिल सिंबल्स आ रहा है. ओके. मास्टर स्विचवर्ड्स आ रहे हैं. तो ये सारी चीजें आती रहेंगी. और हमने योगा शुरू किया है. प्लीज आप इसमें कोऑपरेट करो आइए अपने अपने आप को हेल्दी बनाइए. ठीक है. तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. हमारा फ्री योगा क्लास है. हफ्ते में 3 दिन करा रहे हैं. दी बेस्ट ट्रेनर को हमने हायर किया है. उसको एस्ट्रोक्लेसी पे कर रही है लेकिन आपको कुछ पे नहीं करना. आप आके क्लास अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए. ओके. अनु प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. जय श्री कृष्णा. राधे राधे. अनु जी आपके भी जो सारे ग्रुप होंगे सोसाइटी में जो आपका वो है क्या बोलते हैं आपका सिस्टम है या आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनको बोलो योगा करें सीखें. मैं ये वाला पोस्टर उस पे ना डाल दूंगी. हाँ मैं आपको दे दूंगा पोस्टर कल बनवा दूंगा आपके नाम से भी. ठीक है. आप डाल देना सर. अभी हमने हफ्ते में 3 दिन रखा है. मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे.
अगर हमें लगेगा तो आगे भी बढ़ा देंगे। 3-4 हमने फीमेल ओरिएंटेड टाइम रखा है, ठीक है। तो आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल्स हैं, वो आइए इनवाइट करो, फ्री में करा रहे हैं हम योगा। और बताइए, टैरो कार्ड में इतने अच्छे अच्छे रीडर्स तैयार कर दिए। ये तो एक महीना, अभी तो एक महीना हुआ इन बच्चों को, सोचो। मैंने पुराने खिलाड़ी तो बुलाए नहीं, हमको तो टाइम ही नहीं होता। कहते हैं सर आप यहाँ एक घंटा बुला लोगे, एक घंटे में हमें 1,000 रुपए कमा लेंगे वहाँ पर ऐप में, तो मैं क्यों नुकसान कर रहा हूँ। नए बच्चों को चांस मिलता है सर, इतना हेजिटेशन खोलते हैं सर। देखिए यही तो हमारा मोटिव क्या है करने का, तो मैं कर लूंगा, लेकिन इनको कैसे लगेगी सबने हेल्प की है, इनको कैसे लगेगी पब्लिक में मार्केट में बोलना कैसे, कार्ड को कैसे रीड करना होता है, इनका कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होगा। जी जी, तो हम आपको ये करते हैं, सिखाते भी हैं आपको, बताते भी कैसे काम कैसे करना है, रीडिंग कैसे की जाती है। सर ये आप सिखा सकते हो ना इस तरह से, तो कोई तो नहीं पढ़ाएगा मार्केट में, अपनी मार्केट तो सारे कमर्शियल बैठी है ना, वो फीस लेने के बाद तो पूछते नहीं है, वो तो मना ही कर देते, तुमने हमारे से पढ़ा भी नहीं है फीस लेने के बाद। ऐसे ऐसे लोग हैं। क्या पूछते हैं स्टूडेंट से पूछते हैं, अभी मेरे को ना सर एक ग्रुप और नया ज्वाइन करना है। एक कोई नया ग्रुप ज्वाइन करना है? आया है ऑफर, आया है उनकी तरफ से ना। अच्छा, तो मुझे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो हमें नहीं पता आप क्या करना चाहते हो, कौन सा ग्रुप है, क्या करेगा वो ग्रुप, पर देखो है तो वो समाज सेवा का ही है। हाँ मैं तो मैं समझ गया, आप तो समाज सेविका बन चुकी हैं। तो देखो भाई इनके पास एक ऑफर आया समाज सेविका का, इल्यूजन का आया, दो चीजों में अटके हुए, समझ नहीं आ रहा कि एक दो अभी एक। कंचन ने जो कार्ड निकाले हैं अनु आपके, वो ये बता रहे हैं एक नहीं बतानी, कई सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, और आप कंफ्यूज हो कि उसको एक्सेप्ट करें ना करें, कार्ड इस तरह की इंडिकेशन दे रहे हैं हमें। और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है जिसमें कि आप रूल करने वाले हो, और आप लीनियंट भी रहेंगे, सब आपको फॉलो भी करेंगे, मतलब आपकी जजमेंट जो होगी ना उसमें कभी कोई डाउट नहीं करेगा। ओके ओके, तो मतलब आपके कार्ड हमें कह रहे हैं कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो और वो डिसीजन भी बेस्ट रहेगा। और बेस कार्ड आपका ये आ रहा है, चारों तरफ से पैसे का ऐसा आ रहा है, पैसा मतलब अगर पैसा की ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो भी ये कह रहे हैं ना वो दिखाई दे रहा है। अच्छा सोनाली भी आ गई, देखो हमारे पास सोनाली से भी रहा नहीं गया होगा, सोनाली भी आ गई, तो ठीक है आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सर मैं बहुत देर से बैठी हुई थी, पर सर देखिए सेम कार्ड आया है इनके, देख लो वहां पर भी 7 ऑफ उसका कार्ड निकल कर आया, कंचन ने निकाला वो भी कार्ड वही निकल कर आया। देखिए बिल्कुल सर वही है कि मतलब ये बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाह रही हैं, तो शी इज गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड एक वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सर इनका पर्सनालिटी कार्ड निकाला था, किंग ऑफ कप्स आया, शी इज वेरी स्वीट पर्सन ना, ये किंग हमारा किंग, ये एक इनका जो थ्रोन है सबसे ज्यादा मोल्डेड है, तो शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन, बहुत इमोशनल है, she wants to do everything good for everyone, but थोड़ा सा आपको confusion को आप clear करेंगे ना तो you will achieve that throne। कहने का मतलब है अनु जी ये कब के कार्ड निकल कर आए ना, जैसे सोनाली का, तो दिल से मत सोचो, जो सोर्स के कार्ड निकल कर आए थे ना कंचन ने निकालते, दिमाग से सोचो कि आंसर मिल जाएगा, खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा। और आपके एंजल कार्ड भी यही दिखा रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो सोच रहे हो वो सब हो जाएगा, बस आपने टेंशन नहीं लेनी, रुकना नहीं है, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है चलो अनु आपका माइक ऑफ म्यूट हो गया। हेलो सर। हाँ जी एक रिक्वेस्ट है, मैं मतलब आगे आने वाले टाइम में ना जो भी आपकी जो इस तरह के स्टूडेंट है ना उनका अपने उसमें जो मेरी लेडीज है उसमें सेमिनार करना चाहती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, आपको भी आगे काम करने के लिए मिलेगा, ठीक है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, तो अनु जी है, अनु जी बहुत अच्छा सोशल सर्कल संभाल रही है, समाज सेविका है,
और बहुत कई जगह कई ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी हुई है, एनजीओ में ये, तो कुछ ये नारी शक्ति के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, कर भी रही हैं ऑलरेडी, कि इनका एक मिशन है, क्योंकि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, इनको पैसे की वो नहीं है, बस ये कहते हैं कि अब समाज का क्या कर सके हम, तो बढ़िया है इनका सर, उनकी पर्सनैलिटी का भी तो कार्ड किंग ऑफ कप आया है, तो कप आया है, इज अ वेरी गुड पर्सन, बिल्कुल उनका पर्सनैलिटी कार्ड बहुत अच्छा है, प्यारा था, इसके लिए ही मैं सब करना चाहती हूँ। चलो बढ़िया है, देखिए आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा, आप सभी से भी, हमने जो फ्री योगा क्लास शुरू की है आप उसको थोड़ा स्प्रेड कीजिए, जितने ऑर्गेनाइजेशन में आप भेज सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं हमसे, क्योंकि देखिए हमारा जो क्या नाम है, ये जो कंसल्टेंट है हम तो पे कर ही रहे ना उसको, अब जो भी हम दे रहे हैं एक्स अमाउंट जो दे रहे हैं उसमें दो बच्चे पढ़े या 500 बच्चा पढ़े, तो हम चाहते हैं 500 बच्चे पढ़े ना हमसे, क्या दिक्कत है, 500 योगा सीखी, तो इसको थोड़ा स्प्रेड कीजिएगा। मैं अपने कोर्स के लिए कभी नहीं बोलता और ना बोलूंगा, ठीक है, कि मेरा कोर्स को पब्लिसिटी करो, मेरे को मैं कभी नहीं बोलने वाला। हाँ, जो जो चीज एक एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है और हम करना चाह रहे हैं अपना योगदान, एस्ट्रो गैलेक्सी कुछ करना चाह रही है फीमेल ओरिएंटेड काम की, चलो सबकी हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए टाइम भी वो 3-4 रखा हमने, उस टाइम में कुछ काम नहीं होता इतना, फीमेल कर सकती है। तो आप में से जो लोग ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो मेरे से लिंक या गरिमा से लिंक ले सकते हो, उस ग्रुप में ज्वाइन करा दीजिए, आप अपने आप ज्वाइन करा सकते हो, हम आपको लिंक दे देंगे, उन लिंक को जो भी आप भेजेंगे उस लिंक को यूज कर आप उस ग्रुप में आ सकते हो, उस ग्रुप में आपको मेल अपना 3-4 का आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, ओके, और वो एक बार आईडी पासवर्ड आपने नोट कर लिया तो पूछने की जरूरत नहीं है, आप जो डेज होंगे अपने आप से आईडी पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए, ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए सभी लोग। सर मैं कहना चाहूंगी कि अनु जी को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि किसी के पास इतना कुछ होना तो कोई सोचता कि चलो मेरा तो भरा पूरा है, मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं सच में इनको सैल्यूट करती हूँ, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, लेडीज की, एनिमल्स की, कुछ भी कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, अनु जी आपसे कनेक्ट कर लेगी, मैं आपका नंबर दे दूंगा अनु जी को, ठीक है, आप में से जो लोग थोड़ा सोशल जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप जुड़िए, देखिए इंसान इंसान है ना, तो दूसरों का करके हम ही कर सकते हैं, भगवान ने इंसान योनि दी है ना हमें, कुछ करके जाइए, ऐसा करके जाइए कि भगवान फिर बोले यार चल तेरे को फिर उस रंगीन दुनिया में फिर से भेजता हूँ, और इंसान बना के भेजेगा फिर, वरना जानवर बना के भेज देगा, सोचिए जानवर क्या करता है, वो अपने लिए कर सकते हैं, अपने लिए भी नहीं कर सकते कुछ, उनके लिए भी कोई दूसरा ही करता है, ठीक है, चलो ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ओके, तो जिनका हो पाया उनके लिए ठीक है, जिनका नहीं हो पाया सॉरी, क्योंकि डिवाइन ने नहीं चाहा तो फिर नहीं चाहा, डिवाइन आई तो वो जिसका आंसर देना चाहती है वही देती है, और सभी का थैंक यू जितने कंसर्न जुड़े हमारे से, आप सभी एक अच्छी सोल है, ऐसा ही करते रहिए, नेम फेम कमाइए, सिर्फ इतना याद रखिएगा हमेशा ये सोचिएगा कि जो आपको रीडिंग आ रही है वो डिवाइन से आ रही है, ओके, जब तक आप बच्चे बनकर उस श्री कृष्ण की को पकड़कर चलेंगे और ये मान कर चलेंगे रीडिंग श्री कृष्णा से आ रही है, हम तो नादान है, हम तो जो वहां से डिवाइन आएगी वो बता देंगे, और एक अच्छे कॉज में रीडिंग कीजिएगा, फिर देखिए रीडिंग कैसे आनी आती है, जैसे अभी हमारे साथ कौन थी जुड़ी थी, अभी मैं नाम भूल गया, हाँ यामिनी, जो अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो कह रही सर मुझे पता ही नहीं कहाँ से रीडिंग आती है, मैं जो बताती हूँ वो सही होता जा रहा है, कहाँ से आ रहा है ये, कहाँ से आ रहा है ये, तो मैं वही बताता हूँ कि ये सोच मत सोचिएगा कहाँ से रीडिंग आ रही है ना, ठीक जा रही है ना, बस क्योंकि उसका हाथ है आपके ऊपर, ठीक है, चलो आप में से जो भी कोर्स करना चाहते हैं ऑल आर वेलकम, आप कल से हमारा टैरो का बैच शुरू हो रहा है, और इसी तरह आप भी समाज की सेवा करना चाहते हैं और उससे कुछ अर्निंग भी हो जाए तो क्या बढ़िया है, इसलिए मैं कहता हूँ डिवाइन साइंस बहुत बढ़िया साइंस है, इस जैसा मजा कहीं है ही नहीं, देखिए नेम फेम मिलता है, पैसा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, और एक जो सेटिस्फेक्शन है ना कि किसी के दुख में साथ खड़े होना, किसी को गाइड करना, उस बुरे वक्त में उसको कुछ एक रोशनी दिखाना, कहते हैं ना कि तीन डूबते को तिनके का सारा, अगर आपको कोई बहुत परेशान व्यक्ति आपके पास आ रहा है और उसको सिर्फ आप थोड़ी रेमेडी देकर उसका दुख सुनकर बांट लेते हो ना, इससे बढ़िया कोई कॉज नहीं है, बताओ, पर मार्केट में सिनेरियो थोड़ा खराब हो गया, मार्केट में लोग कहते हैं अच्छा दुखी आया लूट लो, है ना उसको, क्योंकि परेशान आदमी है ना, उसको जो आप बोलोगे, उसको बोलोगे भाई तू ये कर ले, तेरा 5,000 का खर्चा तेरा हो जाएगा, बच्चा बंदा पता नहीं कहां से कर्जा लेकर आता है करता है उपाय, मैं कहता हूं सिर्फ अपना थॉट बदल लीजिए, है ना, सिर्फ नजर बदल लेंगे ना, नजरिया बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, नजरिया बदल लो,
कि हम ये कहते हैं पहले फायदा हो सबका हे भगवान, उसके बाद फिर हमारा फायदा है। ठीक है अंशु जी, दो मिनट दो बस, क्लास एंड हो गई है। अच्छा ठीक, तो सर आज का ना सर इतना मैं शेयर करूंगी, मैं बहुत लेट ज्वाइन की थी मैं कहीं गई हुई थी, पर इतना प्यारे तरीके से सबने आपके गाइडेंस में इतना प्यारा बोला ना आज इन लोगों ने, मैं इनको पर्सनली जानती नहीं हूँ, ग्रुप में होंगे ये लोग, परंतु बहुत अच्छा मतलब दिल खुश हो गया आज इन लोगों ने जब, तो इतना इंस्पायरिंग था ना कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं कार्ड्स आते ही साथ कार्ड्स लेके बैठ गई, मैंने बोला नहीं मैं साथ साथ में रीडिंग्स डाल रही थी बट अनु जी को देखते ही साथ मन किया कि नहीं इनके लिए कार्ड निकालना चाहिए क्योंकि वो इतनी स्वीट पर्सनालिटी है और उनके लिए कार्ड भी वैसे ही निकलता है, भगवान उनके बहुत साथ है सर, बहुत अच्छी पर्सनालिटी मतलब अच्छी सोल है, बहुत अच्छी सोल है वो। एंड सर आपके साथ तो रह के मतलब ये वेबिनार्स अटेंड करके इतना मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चलो सभी अच्छा करें, और ये छोटा श्री कृष्णा हमें देख रहा है रेखा जी के यहाँ से ये राधा कृष्णा, जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्ण, ये वही है बच्ची जय श्री कृष्णा वाली, जय श्री कृष्ण। चलो जी ठीक है जी, थैंक यू सभी का, मिलते रहेंगे जुड़ते रहेंगे, आप जुड़े रहे जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में रहिए, वहां पर आपको जो भी हमारे कोर्स आएंगे वहां की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, एंड थैंक्स टू ऑल कंसल्टेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा।